Disclaimer, this film is a work of fiction, although inspired from real-life incidents. Names, characters, places, events, and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual person, living or dead, or actual events is purely coincidental. Smoking causes cancer. Smoking kills. Consumption of alcohol is injurious to health. हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। मेरे लोगों का अधिकार ही मेरा स्वार्थ है। मेरे लोग पक्के नहीं है कि जो भी आए बलि चढ़ाकर जाए। अरे भाई, आप यहाँ आओगे पता होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों भाई? सेटिंग किया है, वेंगई का बेटा अकेला खड़ा है, हिम्मत है तो सब एक साथ आओ। जेलर के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में वो एक जेलर के रोल में नजर आने वाले हैं। रजनीकांत सर के साथ इस फिल्म में बी टाउन की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन भी शामिल होंगी। इनके अलावा फिल्म में प्रियंका मोहन, शिव राजकुमार, रम्या कृष्णन जैसे कई कलाकार हमें नजर आने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, कि कहानी में रघु राज यानी रजनीकांत अपनी पत्नी उर्मिला यानी रम्या कृष्णन के साथ अपनी बेटी रोशनी यानी प्रियंका मोहन के आने की खुशी मनाता है। एक दिन रघुराज घर आकर देखता है कि किसी ने रोशनी का रेप कर दिया है और उर्मिला को भी चाकू मार दिया है। अगले सीन में जेल के अंदर एक नए कैदी राजा की एंट्री होती है। राजा जेल के अंदर सिगरेट पीते हुए आता है। रघुराज उससे पूछता है, किस लिए सजा मिली है तुम्हें? राजा कहता है, अपुन रेप केस में अंदर आया है। और जेलर, तू टेंशन मत ले, अपुन अरमान भाई का आदमी है, परसों तक अपुन यहाँ से बाहर होगा। पियन यानी योगी बाबू कहता है, जेल नंबर 5 के अंदर जाकर देख बेटा, तू बाहर नहीं ऊपर पहुंचेगा। राम राम राम। रघुराज उसे जेल में डाल देता है। वो बाहर अपने टेबल पर बैठा राजा के बारे में सोचता है। पीएन रघुराज के पास आता है और कहता है, साहब आपको क्या लगता है कि परसों तक टिक पाएगा? रघुराज उसे घूरने लगता है। पीएन राजा को खाना देने अंदर जाता है और कहता है, यहाँ जितनी भी बार तुम्हें खाना मिलेगा, तुम उसे अपनी जिंदगी का आखिरी निवाला समझकर खाना, ठीक है? राजा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, अगर तुम्हारे जेलर ने मुझे तीसरे दिन यहाँ से नहीं निकाला तो चौथे दिन तुम सबका चौथा होगा। पियन दबी आवाज में कहता है, खा ले बेटा, अगर इस जेल के भूत ने तुझे भूत नहीं बना दिया तो मैं यहाँ का पियन नहीं। सामने बैठा रघुराज ये सारी बातें सुनता रहता है। कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। एक दिन रोशनी अपने कॉलेज से लौटकर घर आती है, तभी रास्ते में उसे राजा रोक लेता है और कहता है, अरे मेरी रोशनी, कहाँ जा रही है? एक बार मुझे भी तो मौका दे अपनी सेवा करवाने का। गुस्सेल रोशनी उसके पास आती है और उसे एक तमाचा मार देती है। क्यों, मिला मौका या और दूं? ऐसा कहते हुए रोशनी वहां से चली जाती है। राजा कहता है, इस लड़की को पता नहीं है कि इसने किसके ऊपर हाथ उठाया है। अगले सीन में रोशनी और उर्मिला जख्मी हालात में पड़े हैं। रघुराज देखता है कि रोशनी की सांसें चल रही है।
रघुराज रोशनी से पूछता है, किसने किया ये बेटा, एक बार नाम बता दो उसका। तुम्हारी कसम उसे इतना ज्यादा मारूंगा ना कि वो सोचेगा भी नहीं, रोशनी दर्द भरी आवाज में कहती है। राजा और उसके भाई अरमान, वो लोग यहाँ आए थे और उन्होंने मेरे साथ। इतना कहते ही रोशनी दम तोड़ देती है। रघुराज उसे गले लगाकर चीख चीख कर रोने लगता है। इधर अपर्णा यानी ऐश्वर्या राय बच्चन रघुराज की पूरी हिस्ट्री पता कर लेती है और उसे अब शक नहीं पूरा यकीन हो जाता है कि जेल नंबर 5 में हो रहे खून के पीछे रघुराज का ही हाथ है। अपर्णा पुलिस इंस्पेक्टर यानी वसंत रवि के पास भागती हुई आती है और कहती है, जल्दी करिए इंस्पेक्टर, वरना एक और मौत होनी तय है। रात का सीन है, राजा आराम से जेल नंबर 5 में सो रहा है, तभी उसे कहीं से चाकू की धार तेज करने की आवाज आती है। राजा उठकर बैठ जाता है और आगे बढ़कर पूछता है, कौन है वहां? किसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? आगे कहानी में क्या होने वाला है, ये सब आपको पता चलेगा हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। वेल दोस्तों, क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में? हो रही है, सोर्सेस की माने तो ये फिल्म साल 2023 में सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचाते हुए नजर आएगी। इस फिल्म में रजनीकांत एक जेलर के रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में रजनीकांत के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका मोहन, शिवराज कुमार, राम्या कृष्णन जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई के रिसर्च सेंटर से, जहां की स्टूडेंट अपर्णा यानी ऐश्वर्या राय बच्चन अपने प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरी आती है और लाइब्रेरियन से पूछती है, मुझे जेल नंबर 5 पर लिखी कुछ बुक्स चाहिए। लाइब्रेरियन हैरानी से पूछता है, जेल नंबर 5 की बुक्स क्यों? अपर्णा कहती है, हाँ एक्चुअली मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। लाइब्रेरियन उसे जेल नंबर 5 पर लिखी हर बुक दिखाता है। अपर्णा एक बुक उठाती है और पास रखी चेयर पर बैठकर पढ़ने लगती है। वो जैसे ही पहला पेज खोलती है, उसमें एक खून से सना हुआ चाकू और दूसरे पेज पर एक फांसी का फंदा दिखाया जाता है। अपर्णा पूछती है, ये जेल नंबर 5 में आज तक कितने जेलर आए हैं? लाइब्रेरियन कहता है, ये तो पता नहीं, पर एक जेलर है जिसका नाम रघुराज है। वो काफी लंबे अरसे से उसी जेल का जेलर बना हुआ है। अपर्णा कहती है, ये जेल नंबर 5 इतना फेमस क्यों है? लाइब्रेरियन कहता है, वो तो पता नहीं बेटा, पर लोग कहते हैं कि उसमें जाने वाला हर इंसान मरकर ही बाहर आता है, और आज तक जितने भी लोग उस जेल में बंद हुए हैं, सबने खुदकुशी की है। कुछ लोगों का कहना है कि वहां भूत प्रेत का साया है, इसीलिए आज कोई भी कैदी उसमें जाने से डरता है, लेकिन सरकार इसे अफवाह बताती है। अगले सीन में कोर्ट शहर के सबसे बड़े डॉन के राइट हैंड राजा यानी ब्रह्मनादन को उम्र कैद की सजा सुनाती है और उसे जेल नंबर 5 में डालने का ऑर्डर देती है। राजा चिल्लाता हुआ कहता है, नहीं नहीं प्लीज जज साहब, मुझे फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे उस जेल में मत भेजिए प्लीज। पुलिस उसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बैठा देती है। गाड़ी जेल के सामने आकर रुकती है। राजा को जबरदस्ती जेल नंबर 5 में बंद कर दिया जाता है। अगले सीन में रात को सन्नाटा दिखाया जाता है। राजा आराम से जेल में अपने बेंच पर सो रहा है, तब उसे कुछ आवाजें आती हैं। राजा जाग के देखता है तो कोई भी दिखाई नहीं देता। तब तक उसमें सामने से एक काला साया आकर खड़ा हो जाता है और राजा तेजी से चिल्लाता है। अगले सीन में अपर्णा जेल नंबर 5 के सामने पहुंचती है। उसके पहुंचने पर ही जेलर रघुराज यानी रजनीकांत वहां पहुंच जाता है। रघुराज अपर्णा को वहां देखकर परेशान हो जाता है और अपने जेल के पियून से सभी जेल की सफाई करने को बोलता है। रघुराज अपर्णा से कहता है, सो कौन है आप और यहाँ क्यों आई हैं? अपर्णा कहती है, जी मैं वो। तब अंदर से पियून की चिल्लाने की आवाज आती है। रघुराज और अपर्णा दोनों ही दौड़कर अंदर जाते हैं और सामने का नजारा देख कर शॉक हो जाते हैं। तो क्या देखा रघुराज और अपर्णा ने, जानने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। के साथ इस फिल्म में बी टाउन की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका मोहन, शिवराज कुमार, राम्या कृष्णन जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है शहर के जेल खाने से। ये शहर का सबसे पुराना जेल खाना है, जहाँ पर कभी क्रूअल जेलर का राज हुआ करता था, और आज इस जेल खाने को 75 साल पूरे हो चुके हैं, और इसलिए सभी जेलर्स और पुलिस के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पर मीडिया की पूरी भीड़ जमा है। इवेंट शुरू होता है सीनियर जेलर यानी नस्सा स्टेज पर इवेंट की शुरुआत करने के बाद रिपोर्टर्स से उनके सवाल पूछने को कहता है। एक रिपोर्टर पूछता है, सर आप सबसे पुराने जेलर हैं, क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा जेलर रहा है जो बाकियों से हटकर हो? तब तक दूसरा रिपोर्टर पूछ पड़ता है, हाँ सर, ये क्रूअल जेलर कौन है और कहाँ है अब ये?
सीनियर जेलर अब मुस्कुराता है और कहता है, क्यूल जेलर, शायद आज इसी नाम से उसे पूरा देश जानता है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि उसका नाम और उसकी असलियत हमें भी काफी दिन बाद पता चली। उसका नाम विजय था, एक ऐसा जेलर जिसने इंसाफ की लड़ाई के लिए अपना वजूद तक मिटा दिया। यहाँ अब कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है। अगले सीन में दोस्तों तमिलनाडु का छोटा सा गांव दिखाया जाता है, जहाँ लोग पानी के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। गांव की हालत काफी खराब है। सीन में एक घर दिखाया जाता है जहाँ उर्मिला यानी रामे कृष्णन चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना रही है। तब तक चूल्हे की आग बुझ जाती है। विजय, विजय, लकड़ियां लाने भेजा था इसे, अब तक नहीं आया। ऐसा कहते हुए उर्मिला उठती है और घर के बाहर विजय को खोजने चली जाती है। काका, आपने विजय को देखा है क्या? उर्मिला गांव के एक आदमी से पूछती है। आगे चलकर उर्मिला को विजय का दोस्त रघु मिलता है। रघु बताता है कि विजय पहाड़ी के उस पार है। उर्मिला पहाड़ी पर जाकर देखती है तो विजय यानी वरुण बुद्धदेव कंचे खेल रहा था। उर्मिला उसे मारते हुए घर ले आती है और कहती है, तुझे मेरी और घर की हालत दिखाई नहीं देती है? तुझे मैंने लकड़ियां लाने भेजा था ना, जानता है ना तू, तेरे पापा के जाने के बाद। इतना कहते ही उर्मिला रोने लगती है। अब विजय अपनी माँ के पास आता है और कहता है, रो मत माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना कहकर विजय अपनी माँ को गले लगा लेता है। अगले सीन में कहानी अपने लीप में जाती है। विजय यानी वसंतनाथ रवि अब एक नौजवान है। घर के अंदर से उर्मिला आती है और कहती है, विजय ले दही चीनी खा ले, आज तेरा इंटरव्यू है ना। विजय दही चीनी खाकर अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। मुंह बनाकर विजय वापस घर लौटता है। उर्मिला को लगता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब तक विजय मिठाई खिलाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ अब तेरा नालायक बेटा टीचर बन गया है। आखिर कैसे बनेगा विजय टीचर से जेलर? कौन है नया जेलर? किससे मिला रमा? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ इंडिया में भगवान की तरह पूजे जाने वाले रजनीकांत एक धमाकेदार फिल्म के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं और उनकी इस फिल्म का नाम जेलर है। फिल्म के फर्स्ट पोस्टर ने ही इसकी हाइप काफी ज्यादा हाई कर दी है। फिल्म में रजनीकांत सर एक जेलर के रोल में नजर आने वाले हैं। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में रजनी सर के अलावा बी टाउन की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका मोहन, शिव राजकुमार, रम्या कृष्णन जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कहानी में विजय यानी वसंत रवि अपने गांव से शहर आता है। शहर आने पर उसे पता चलता है कि सुनैना यानी प्रियंका मोहन ने कॉलेज छोड़ दिया है। विजय उसके घर भी जाता है लेकिन उसे सुनैना नहीं मिलती है। विजय को पता चलता है कि सुरेश चंद्र उसके गाँव आने वाला है। विजय सुरेश से मिलने गांव पहुंचता है, जहां सुरेश यानी विनय खान पहले से ही मौजूद है। सुरेश और उसके गुंडे मिलकर विजय को जान से मार देते हैं और उसकी लाश को पास की नदी में फेंक देते हैं। पुलिस को विजय की लाश नहीं मिलती है। अगले सीन में कहानी में रमा यानी रजनीकांत की एंट्री होती है, जो शहर के सबसे बड़े बदनाम जेल का नया जेलर है। रमा अंदर आता है। पियोन यानी योगी बाबू उससे पूछते हैं, ए, कौन हो तुम? रमा कहता है, जेलर। पियोन जल्दी जल्दी टेबल साफ करने लगता है। पियोन पूछता है, कहां से आए हैं साहब, इस शहर के तो लगते नहीं है। रमा कहता है, मैं कौन हूं, क्या हूं और किस लिए आया हूं बहुत जल्द ही पता चल जाएगा, बस ये जान लो कि अपना एक बड़ा मकसद लेकर इस शहर में आया हूं। पियोन धीरे से कहता है, ये क्या बवाल भेज दिए प्रभु, मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। रमा देखता है कि जेल में एक भी कैदी नहीं है। रमा पियोन से पूछता है, यहाँ कैदियों को क्यों नहीं रखा गया है? पियोन बताता है कि इस जेल में जितने भी कैदी रहे हैं वो सब भाग जाते हैं। रमा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। रमा हेड ऑफिस से जेल की हालत ठीक करने और वहां कैदियों को लाने की सिफारिश करता है। गवर्नमेंट उस जेल में कैदियों को भेजना शुरू कर देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ कैदी जेल से भाग रहे हैं। उस वक्त रमा वहां मौजूद नहीं है। कैदी जेल से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक कैदी कहता है, बड़ा आया साला, हमें बंद करके रखेगा। तब तक वो देखता है कि सामने रमा खड़ा है। अगले सीन में रमा उन सभी भागने वाले कैदियों के पैर पर बेल्ट से मारते हुए नजर आता है, जिसके बाद से कैदी उसके नाम से डरने लगते हैं। कुछ दिन बाद पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि रमा की जेल में एक कैदी ही हत्या कर दी गई है, लेकिन खूनी का कहीं से कुछ भी नहीं पता चल गया है। अगले पल रमा जेल के बाथरूम में खून से सना हुआ चाकू धो रहा है। अपना पूरा हाथ साफ करने के बाद रमा मिरर में देखते हुए कहता है,
अब कोई नहीं बचेगा और तेज तेज हंसने लगता है। अगले सीन में रमा को उसके सीनियर ऑफिसर की तरफ से एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है। रमा अच्छी तरह से तैयार होकर पार्टी में पहुंचता है। पार्टी में जाते ही रमा की नजर सुनैना पर पड़ती है और उसके साथ ही कहानी में ऐश्वर्या राय बच्चन की एंट्री होती है। क्या रमा जानता है सुनैना को? क्या रमा ही खूनी है? जानने के लिए 50 कंबल रखवा दिए थे। पुलिस के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। गरीब अपने इस नए रखवाले को जानते ही नहीं है कि आखिर ये कौन क्यों कर रहा है, लेकिन बिना जाने समझे ही वो सब इस गिरोह के लोगों को भगवान मानने लगे हैं। ये ग्रुप ऐसा है कि जो गरीबों की मदद कंबल चादर से लेकर दवाई गोली तक कर रहा है, इसलिए शायद पुलिस भी इन्हें पकड़ने में उतनी फुर्ती नहीं दिखा रही है जितना कि उन्हें दिखाना चाहिए। लेकिन अभी अभी एक खबर ये सामने आई है कि इनके गिरोह का एक आदमी चेन्नई की सेंट्रल जेल में कैद है और ये सब उसे छुड़वाने में लगे हुए हैं और उसे छुड़वाने के लिए ये लोग कुछ भी कर गुजर सकते हैं। पुलिस ने आम जनता से ये छुपा कर रखा है कि आखिर कौन है इसके गिरोह का जेल के अंदर, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इसके बारे में बाहर बैठी जनता को कुछ पता चल गया तो वो खुद ये केस अपने हाथों में लेते हुए सड़कों पर उतर आएगी और ना चाहते हुए भी दंगे फसाद हो जाएंगे। मीडिया अपने तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई है कि कैसे पता लगे कि आखिर है कौन वो आदमी जिसने ये किया है, क्या करवाया है। लेकिन इस सब में एक कैरेक्टर है जिसने इस केस पर बहुत ही पारखी नजर रख रखी है। वो एक एक स्टेप पर आंख गड़ाए हुए बैठे हैं। गैंग वालों ने एक बार जेल के अंदर भी घुसने की कोशिश की है, लेकिन जेलर ने उन्हें उनके इस काम को अंजाम नहीं देने दिया। जेलर के रवैये से लग रहा है कि उसे कुछ ऐसा पता है जो सिर्फ उसे ही पता है और किसी को नहीं। तो हो सकता है कि उसको पता है कि ये गैंग कौन है और इसका सरदार भी कौन है। पुलिस किस तरह से इस गिरोह को पकड़ती है ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस की इतनी निगरानी के कारण अब ये रॉबिन हुड गैंग गरीबों की इतनी मदद नहीं कर पा रहा। जनता में अब आक्रोश और गुस्से की स्थिति बनने लगी है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये गुस्सा जाकर किस पर फूटेगा, पुलिस पर या रॉबिन हुड गैंग पर, और जेलर कैसे इन सब से पुलिस और जेल दोनों के फेवर में कुछ कर पाएगा। जेलर का जब अपना सच रॉबिन हुड के मुखिया को पता चला तो जैसे उसके मन में जेलर के लिए ही एक दोस्ती का इमोशन आया कि एक्चुअली जेलर जैसा है वैसा होने से उसके अपने कारण है। उसका अपना एक दर्द है, एक ऐसा दर्द है जो जेलर हमेशा सबसे छुपाया रहता है। उसके मन में ये है कि अगर उसने किसी को देखकर मुस्कुरा दिया इसका मतलब ये होगा कि उसने खुद को माफ कर दिया उस गलती के लिए जिसकी सजा वो खुद को इतने सालों से देता आ रहा है। जेलर एक बहुत अच्छा आदमी है। ये बात जानने के बाद मुखिया ने ये डिसाइड किया कि वो यहां से निकलने के बाद जेलर के लिए भी कुछ करना चाहता है। जेलर ने बातों ही बातों में एक दिन मुखिया से अपने मन की बहुत सी बातें साझा की, जिसमें वो ये भी कह गया कि कैसे उसके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और उसूलों वाला होने के कारण उसके एक लौते बेटे की जान चली गई और कैसे उसने वो सब सहा और देखा जो कभी किसी बाप को ना मिले देखने को। और यहीं से मुखिया के थ्रू हम सबको भी जेलर के इस गुमनाम सफर में साथ बनने का मौका मिलता है। जेलर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसका एक छोटा सा परिवार था, उसकी माँ, बीवी और उसका एक जवान बेटा। सब इस शहर में एक खुश मिडिल क्लास फैमिली की तरह रह रहे थे। उसका बेटा बहुत होनहार था, डॉक्टर बनना चाहता था और उसकी पढ़ाई रंग भी लाई थी। उसका एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में हो गया था। तब जेलर भी अपनी पुलिस की पोस्ट में खूब मेहनत से काम कर रहा था और उनकी ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। एक बार जेलर के पास एक ऐसा केस आया जिसने एक्चुअली में सब बदल कर रख दिया, जेलर की जिंदगी और उनके परिवार वालों की भी। इस केस में एक बड़े मंत्री के बेटे के ऊपर रेप केस था। इसका इंचार्ज जेलर को बनाया गया और जैसा कि हमेशा से ईमानदारी से काम करने वाले जेलर के लिए ये केस भी बाकी केसेस जैसा था। बिना कोई घपला किए जेलर सबूतों की तह तक जाना चाहता था। वो अपना काम कर ही रहा था। लड़की के माँ बाप को भी उम्मीद थी कि उनके बेटी को न्याय मिलेगा, जेलर उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। और इसी बीच कुछ गुंडों ने जेलर के बेटे को उठा लिया और ये धमकी दी अगर जेलर ने सारे सबूत उनके हवाले नहीं किए तो वो उनके बेटे को मार डालेगा। जेलर ने सोचा कि ये सब उसे डराने के लिए कहा जा रहा था। उसने अपने बेटे को कहा कि वो कुछ दिन अलर्टनेस से रहे और अपना ध्यान रखे। बेटे ने वैसा ही किया। जेलर बिना ज्यादा चिंता किए अपना काम वापस चालू
चालू कर दिया और अपना केस सॉल्व करने लगा। लेकिन इस बार उसके बेटे पर सच में उसी के कॉलेज के अंदर घुसकर हमला हुआ। उसके बेटे के सिर पर लोहे के रॉड से हमला किया गया। बेटा बेहोश हो गया, उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। सबके होते हुए भी एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण उसके बेटे की जान चली गई और ये ट्रॉमा जेलर की वाइफ से सहन नहीं हुआ और वो भी चल बसी। अब घर पर एक बूढ़ी माँ है जिन्हें बहुत पहले पैरालिसिस का अटैक आया था और वो भी बस एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है। और जेलर ने उसी वक्त जिंदा महसूस करना बंद कर दिया था जब उसने बेटे की सांसें थमते हुए देखी थी। जेलर ने खुद को ये सजा इसलिए दी थी क्योंकि अगर वो गुंडों की बात मान जाता तो शायद उसका बेटा जिंदा होता और शायद यही दर्द जेलर और मुखिया को कनेक्ट कर देता है। मुखिया की क्या कहानी है ये तो आज भी एक पहेली है और वो किसी को बताते भी नहीं है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो वो इस प्रोफेशन में आ गए और फिर वो सब गरीबों के मसीहा बन गए। सब कहानी में जय रोहित की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। रात के वक्त समीरा अपने कमरे में सोने पहुंचती है तभी उस पर कोई चाकू से हमला करता है। समीरा किसी तरह इस वार से बच जाती है। हमलावार उसे रस्सी से बांधने की कोशिश करता है तभी एक जोरदार झंझनाहट की आवाज होती है। इंस्पेक्टर शिवा टेबल पर रखे फ्लावर पॉट से हमलावार को मार देता है। ये हमलावार कोई और नहीं बल्कि रिंग रोड का जेलर जय है। चोट की वजह से जय बेहोश होने लगता है। बेहोश होते होते उसके कान में शिवा की आवाज पड़ती है, मुझे पता था ये जरूर आएगा। अगले दिन जय खुद को हॉस्पिटल के अंदर पाता है। शिवा और समीरा उसके रूम में आते हैं। शिवा जय के बगल में बैठते हुए कहता है, अब आप अपनी कहानी खुद बताएंगे जेलर साहब या मैं बताऊं? थोड़ा रुकने के बाद जय कहता है, 6 साल पहले मेरी शादी उर्मिला से हुई थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इस शादी में उसकी रजामंदी नहीं है। उर्मिला जब शादी करके घर आई तभी से उसका बिहेवियर मेरे लिए कुछ ठीक नहीं रहता था, लेकिन मैंने उसे हमेशा ही प्यार किया। उसके लिए मैं टीचर की नौकरी छोड़ जेलर तक बन गया, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही है। दरअसल शादी के पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था जो दिखने में मुझसे कहीं ज्यादा हैंडसम था और शायद यही वजह थी कि उर्मिला ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं क्योंकि मैं हमेशा ही नॉर्मल रहता था। शिवा बीच में टोकते हुए कहता है, तो तुम्हारी बीवी इस वक्त कहाँ है? जय मुस्कुराते हुए कहता है, वो आराम कर रही है। पिछले 5 सालों से वो आराम ही तो कर रही है। यहाँ कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है। एक रात जय को अपने काम से वापस घर आने में काफी लेट हो जाता है। जय घर के अंदर आते हुए कहता है, पता नहीं उर्मिला ने अभी तक खाना खाया भी होगा या नहीं। तभी उसे किसी के हंसने और बोलने की आवाजें आती है। जय धीरे धीरे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ता है और थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखता है कि उर्मिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके बेडरूम में है। जय उर्मिला से मिला हुआ ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और गुस्से में किचन से चाकू लेकर बेडरूम में पहुंचता है। उर्मिला जय को देखकर घबराती हुई कहती, देखो जय, जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गुस्से में पागल हो चुका जय उर्मिला के बॉयफ्रेंड पर चाकू से कई बार वार कर देता है। ये सब देखकर उर्मिला जय को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, ये क्या किया तुमने? तुमने अपनी औकात देखी है? तुम कभी मेरे लायक थे ही नहीं, समझे? उर्मिला के मुंह से निकलते ये अल्फाज जय को तीर की तरह छुपते हैं। गुस्से में आकर जय उर्मिला को भी चाकू से मार देता है। और अगले सीन में इंस्पेक्टर पूछता है, फिर तुमने दोनों डेड बॉडीज का क्या किया? जय तेज तेज हंसने लगता है। कहानी फिर अपने फ्लैशबैक में जाती है। अगली सुबह जय की नींद खुलती है तो उसकी आंखों के सामने उर्मिला की लाश पड़ी है। उस वक्त जय को होश आता है कि गुस्से में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जय उर्मिला को उठाकर तेज तेज रोने लगता है। अगले पल वो कब्ज में रखी आरी लाता है और उर्मिला के बॉयफ्रेंड की लाश के टुकड़े टुकड़े करके उससे आस पास के जंगल में फेंक देता है। समीरा पूछती है, लेकिन उर्मिला का क्या हुआ? अगले सीन में पुलिस जय के घर पहुंचती है जहां से उन्हें उर्मिला की डेड बॉडी मिलती है। एक्सपर्ट टीम शिवा से कहती है, आज से पहले इतना पागलपन वाला प्यार कभी नहीं देखा। उर्मिला के बॉडी पर एक लेप मिला है जिससे किसी बॉडी को कई सालों तक सेफ रखा जाता है। आसपास की चीजें देखकर ये साफ पता चलता है कि जय उर्मिला को एक जिंदा इंसान जैसे ट्रीट करता था, जैसे उसे खाना खिलाना, उसके लिए पानी रखना। और एक खास बात ये है सर कि जय खुद भी पिछले 5 साल से यही इसी डेड बॉडी के पास होता था। तभी शिवा को धूप बत्ती की महक याद आती है। शिवा कहता है,
हो तो वो इसलिए घर में धूप बत्ती जला कर रखता था ताकि किसी को भी उर्मिला की डेड बॉडी की आने वाली स्मेल का पता ना चले। स्ट्रेंज। अगले सीन में जय कोर्ट में ये बयान देता है कि उर्मिला से पाए धोखे की वजह से वो आज तक सभी एक तरफा आशिकों की मदद करता आया था ताकि वो लोग भी उसकी तरह अपने प्यार का बदला उन लड़कियों से ले सके। जय की दिमागी हालात को देखते हुए कोर्ट उसे डॉक्टर की निगरानी में रखकर उम्र कैद की सजा सुनाती है। कोर्ट से निकलते वक्त जय देखता है कि उसके सामने रघु और रोहित खड़े हैं। रघु जिसे शिवा ने अपने मोहरा बनाया था और हवलदार रोहित ने समीरा के साथ मिलकर झूठा नाटक किया था। जय उनसे कुछ भी नहीं बोलता, बस एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वहां से चला जाता है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, ये हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। मैं अपर्णा सिन्हा फिर मिलूंगी आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? वो कैदी कहता है, अरे तुझे नहीं पता साहब आने वाले हैं। साहब, उनका कहना है जेल एक मंदिर है और मंदिर में गंदगी नहीं रहती है, इसलिए आज हम सब मिलकर अपनी अपनी जेल की सफाई कर रहे हैं। चल चल उठ, तू भी काम पर लग जा। तभी वहाँ जेलर आ जाता है। कैदियों को काम करता देख जेलर कहता है, अरे वाह, आज तो सब काम पर लगे हैं, क्या बात है, अच्छा है, करो करो। सरकार तो जेल की सफाई पुताई पर ध्यान नहीं देती, तुम लोग ही करो। एक जेलर कहता है, ए मुंह बंद कर अपना, ये सब हम जेल के लिए, यहाँ तेरे लिए नहीं कर रहे। जेलर कहता है, अच्छा बेटा, ऐसा कौन सा नवाब पैदा हो गया जिसके लिए ये सब हो रहा है। तभी रनू दौड़ते हुए आता है। जेलर कहता है, अरे रे आज तो इतनी लेट कैसे हो गया, तुझे आने का टाइम नहीं पता क्या? रनू कहता है, अरे सर एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसको सुनकर आपको अपने नाम के आगे लेट दिखने लगेगा। जेलर कहता है, अरे यार जिसको देखो वो पहेलियाँ बुझाता रहता है, साफ साफ बताओ बात क्या है। रनू कहता है, अरे सर वो मर गया, वो कैदी जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। जेलर ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। रनू कहता है, अभी खड़े मत हो सर, एक और खबर है और वो ये है कि रघु आ जाने वाला है। जेलर रघु का नाम सुनते ही डरने लगता है। उधर जेल में झाड़ू लग रहा है, कैदी नंबर 420 ये सब देख रहा है और सोचता है कौन है ये रघु। अगले सीन में रनू बार बार जेल के मेन गेट पर जाकर रघु का वेट करता है। जेलर कहता है, ए तेरी बारात आने वाली है जो तू ऐसे इंतजार कर रहा है। रनू शर्माते हुए कहता है, क्या सर आप भी, मैं तो बारात लेकर जाऊंगा। तभी वहां रघु की एंट्री होती है। रघु को देखते ही जेलर के पसीने छूटने लगते हैं। रघु अंदर आता है और जेलर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, कैसे हो जेलर? रनू थोड़ा पानी पिलाओ अपने साहब को, इनके तो अभी से पसीने छूट रहे हैं। रघु अपने कैदियों के पास पहुंचता है। सभी कैदी मिलकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं, लेकिन कैदी नंबर 420 कोने में चुपचाप खड़ा रहता है। रघु पूछता है, कैसे हो तुम सब? सभी कैदियों की एक साथ आवाज आती है, आपकी दुआ है मालिक। रघु की नजर कैदी नंबर 420 पर पड़ती है। रघु उसे देखते हुए कहता है, ए इधर आओ। कैदी नंबर 420 रघु के पास आता है। रघु से पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? एक कैदी बोल पड़ता है, 420 मालिक। सभी कैदी और रनू हंसने लगते हैं। रनू फिर कैदी नंबर 420 उसका नाम पूछता है। कैदी नंबर 420 कहता है, मेरा नाम रमा है। कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है। रमा रमा उठो बेटा, देर हो रही है। रमा की माँ सुनीता उसे आवाज लगाती है। रमा अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा है। सुनीता फिर आवाज लगाती है, रमा उठो, 9 बज गए हैं, कॉलेज नहीं जाना। रमा आंखें मलते हुए कहता है और कहता है, क्या माँ कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं, एकदम लाइफ सेट वाला सपना। सुनीता कहती है, अरे बेटा जैसे तो दुनिया को अच्छा देखता है और सोचता है उससे बहुत अलग है ये दुनिया, चल अब तैयार हो जा, आज कॉलेज का पहला दिन है ना। रमा उठकर बाथरूम में चला जाता है। रमा एक सिंपल सा लड़का है जिसके लिए पूरी दुनिया किसी सुनहरे सपने से कम नहीं है। ऐसा क्या हुआ रमा के साथ जो उसे जेल जाना पड़ा? तो दोस्तों क्या लगता है आपको, हमें कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। क्या बताया रोशनी ने, इस वक्त रजनीकांत अपनी अपकमिंग फिल्म जेलर के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में
में वो एक जेलर के रोल में नजर आने वाले हैं। रजनीकांत सर के साथ इस फिल्म में बी टाउन की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन भी शामिल होंगी। इनके अलावा फिल्म में प्रियंका मोहन, शिव राजकुमार, रम्या कृष्णन जैसे कई कलाकार हमें नजर आने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों कि कहानी में रघु राज यानी रजनीकांत अपनी पत्नी उर्मिला यानी रम्या कृष्णन के साथ अपनी बेटी रोशनी यानी प्रियंका मोहन के आने की खुशी मनाता है। एक दिन रघुराज घर आकर देखता है कि किसी ने रोशनी का रेप कर दिया है और उर्मिला को भी चाकू मार दिया है। अगले सीन में जेल के अंदर एक नए कैदी राजा की एंट्री होती है। राजा जेल के अंदर सिगरेट पीते हुए आता है। रघुराज उससे पूछता है किस लिए सजा मिली है तुम्हें। राजा कहता है अपुन रेप केस में अंदर आया है और जेलर तू टेंशन मत ले, अपुन अरमान भाई का आदमी है, परसों तक अपुन यहाँ से बाहर होगा। पियोन यानी योगी बाबू कहता है जेल नंबर 5 के अंदर जाकर देख बेटा, तू बाहर नहीं ऊपर पहुंचेगा। राम राम राम। रघुराज उसे जेल में डाल देता है। वो बाहर अपने टेबल पर बैठा राजा के बारे में सोचता है। पियन रघुराज के पास आता है और कहता है साहब आपको क्या लगता है ये परसों तक टिक पाएगा। रघुराज उसे घूरने लगता है। पियन राजा को खाना देने अंदर जाता है और कहता है यहाँ जितनी भी बार तुम्हें खाना मिलेगा तुम उसे अपनी जिंदगी का आखिरी निवाला समझकर खाना, ठीक है। राजा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है अगर तुम्हारे जेलर ने मुझे तीसरे दिन यहाँ से नहीं निकाला तो चौथे दिन तुम सबका चौथा होगा। पियन तभी आवाज में कहता है खा ले बेटा, अगर इस जेल के भूत ने तुझे भूत नहीं बना दिया तो मैं यहाँ का पियन नहीं। सामने बैठा रघुराज ये सारी बातें सुनता रहता है। कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। एक दिन रोशनी अपने कॉलेज से लौट कर घर आती है, तभी रास्ते में उसे राजा रोक लेता है और कहता है अरे मेरी रोशनी कहाँ जा रही है, एक बार मुझे भी तो मौका दे अपनी सेवा करवाने का। गुस्सेल रोशनी उसके पास आती है और उसे एक तमाचा मार देती है। क्यों मिला मौका या और दूं? ऐसा कहते हुए रोशनी वहां से चली जाती है। राजा कहता है इस लड़की को पता नहीं है कि इसने किसके ऊपर हाथ उठाया है। अगले सीन में रोशनी और उर्मिला जख्मी हालात में पड़े हैं। रघुराज देखता है कि रोशनी की सांसें चल रही है। रघुराज रोशनी से पूछता है किसने किया ये बेटा, एक बार नाम बता दो उसका, तुम्हारी कसम उससे इतना ज्यादा मारूंगा ना कि वो सोचेगा भी नहीं। रोशनी दर्द भरी आवाज में कहती है राजा और उसके भाई अरमान वो लोग यहाँ आए थे और उन्होंने मेरे साथ। इतना कहते ही रोशनी दम तोड़ देती है। रघुराज उसे गले लगाकर चीख चीख कर रोने लगता है। इधर अपर्णा यानी ऐश्वर्या राय बच्चन रघुराज की पूरी हिस्ट्री पता कर लेती है और उसे अब शक नहीं पूरा यकीन हो जाता है कि जेल नंबर 5 में हो रहे खून के पीछे रघुराज का ही हाथ है। अपर्णा पुलिस इंस्पेक्टर यानी वसंत रवि के पास भागती हुई आती है और कहती है जल्दी करिए इंस्पेक्टर वरना एक और मौत होनी तय है। रात का सीन है, राजा आराम से जेल नंबर 5 में सो रहा है, तभी उसे कहीं से चाकू की धार तेज करने की आवाज आती है। राजा उठकर बैठ जाता है और आगे बढ़कर पूछता है कौन है वहां, किसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, आगे कहानी में क्या होने वाला है, ये सब आपको पता चलेगा हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। वेल दोस्तों क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में हो रही है। सोर्सेस की माने तो ये फिल्म साल 2023 में सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचाते हुए नजर आएगी। इस फिल्म में रजनीकांत एक जेलर के रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में रजनीकांत के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका मोहन, शिव राजकुमार, राम्या कृष्णन जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई के रिसर्च सेंटर से, जहां की स्टूडेंट अपर्णा यानी ऐश्वर्या राय बच्चन अपने प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरी आती है और लाइब्रेरियन से पूछती है मुझे जेल नंबर 5 पर लिखी कुछ बुक्स चाहिए। लाइब्रेरियन हैरानी से पूछता है जेल नंबर 5 की बुक्स क्यों। अपर्णा कहती है हाँ एक्चुअली मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। लाइब्रेरियन उसे जेल नंबर 5 पर लिखी हर बुक दिखाता है। अपर्णा एक बुक उठाती है और पास रखी चेयर पर बैठकर पढ़ने लगती है। वो जैसे ही पहला पेज खोलती है उसमें एक खून से सना हुआ चाकू और दूसरे पेज पर एक फांसी का फंदा दिखाया जाता है। अपर्णा पूछती है ये जेल नंबर 5 में आज तक कितने जेलर आए। लाइब्रेरियन कहता है ये तो पता नहीं पर एक जेलर है जिसका नाम रघुराज है, वो काफी लंबे अरसे से उसी जेल का जेलर बना हुआ है। अपर्णा कहती है
ये जेल नंबर 5 इतना फेमस क्यों है? लाइब्रेरियन कहता है, वो तो पता नहीं बेटा, पर लोग कहते हैं कि उसमें जाने वाला हर इंसान मरकर ही बाहर आता है। और आज तक जितने भी लोग उस जेल में बंद हुए हैं, सब ने खुदकुशी की है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ भूत प्रेत का साया है, इसीलिए आज कोई भी कैदी उसमें जाने से डरता है। लेकिन सरकार इसे अफवाह बताती है। अगले सीन में कोर्ट शहर के सबसे बड़े डॉन के राइट हैंड राजा यानी ब्रह्मनादन को उम्र कैद की सजा सुनाती है और उसे जेल नंबर 5 में डालने का ऑर्डर देती है। राजा चिल्लाता हुआ कहता है, नहीं नहीं प्लीज जज साहब, मुझे फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे उस जेल में मत भेजिए प्लीज। पुलिस उसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बैठा देती है। गाड़ी जेल के सामने आकर रुकती है। राजा को जबरदस्ती जेल नंबर 5 में बंद कर दिया जाता है। अगले सीन में रात को सन्नाटा दिखाया जाता है। राजा आराम से जेल में अपने बेंच पर सो रहा है, तब उसे कुछ आवाजें आती हैं। राजा जाग के देखता है तो कोई भी दिखाई नहीं देता। तब तक उसमें सामने से एक काला साया आकर खड़ा हो जाता है और राजा तेजी से चिल्लाता है। अगले सीन में अपर्णा जेल नंबर 5 के सामने पहुंचती है। उसके पहुंचने पर ही जेलर रघुराज यानी रजनीकांत वहां पहुंच जाता है। रघुराज अपर्णा को वहां देखकर परेशान हो जाता है और अपने जेल के पियून से सभी जेल की सफाई करने को बोलता है। रघुराज अपर्णा से कहता है, सो कौन है आप और यहाँ क्यों आई हैं? अपर्णा कहती है, जी मैं वो। तब अंदर से पियून की चिल्लाने की आवाज़ आती है। रघुराज और अपर्णा दोनों ही दौड़कर अंदर जाते हैं और सामने का नज़ारा देखकर शॉक हो जाते हैं। तो क्या देखा रघुराज और अपर्णा ने, जानने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। के साथ इस फिल्म में बी टाउन की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका मोहन, शिवराज कुमार, राम्या कृष्णन जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है शहर के जेल खाने से। यह शहर का सबसे पुराना जेल खाना है जहाँ पर कभी ट्रूअल जेलर का राज हुआ करता था और आज इस जेल खाने को 75 साल पूरे हो चुके हैं और इसलिए सभी जेलर्स और पुलिस के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जहां पर मीडिया की पूरी भीड़ जमा है। इवेंट शुरू होता है सीनियर जेलर यानी नस्सा स्टेज पर इवेंट की शुरुआत करने के बाद रिपोर्टर्स से उनके सवाल पूछने को कहता है। एक रिपोर्टर पूछता है, सर आप सबसे पुराने जेलर हैं, क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा जेलर रहा है जो बाकियों से हटकर हो? तब तक दूसरा रिपोर्टर पूछ पड़ता है, हाँ सर ये क्रूअल जेलर कौन है और कहाँ है अब ये? सीनियर जेलर अब मुस्कुराता है और कहता है, क्रूअल जेलर, शायद आज इसी नाम से उसे पूरा देश जानता है। लेकिन ताजुब की बात ये है कि उसका नाम और उसकी असलियत हमें भी काफी दिन बाद पता चली। उसका नाम विजय था, एक ऐसा जेलर जिसने इंसाफ की लड़ाई के लिए अपना वजूद तक मिटा दिया। यहाँ अब कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है। अगले सीन में दोस्तों तमिलनाडु का छोटा सा गांव दिखाया जाता है जहाँ लोग पानी के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। गांव की हालत काफी खराब है। सीन में एक घर दिखाया जाता है जहाँ उर्मिला यानी रामकृष्णन चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना रही है। तब तक चूल्हे की आग बुझ जाती है। विजय विजय लकड़ियां लाने भेजा था इसे, अब तक नहीं आया। ऐसे कहते हुए उर्मिला उठती है और घर के बाहर विजय को खोजने चली जाती है। काका आपने विजय को देखा है क्या? उर्मिला गांव के एक आदमी से पूछती है। आगे चलकर उर्मिला को विजय का दोस्त रघु मिलता है। रघु बताता है कि विजय पहाड़ी के उस पार है। उर्मिला पहाड़ी पर जाकर देखती है तो विजय यानी वरुण बुद्धदेव कंचे खेल रहा था। उर्मिला उसे मारते हुए घर ले आती है और कहती है, तुझे मेरी और घर की हालत दिखाई नहीं देती है? तुझे मैंने लकड़ियां लाने भेजा था ना, जानता है ना तू तेरे पापा के जाने के बाद? इतना कहते ही उर्मिला रोने लगती है। अब विजय अपनी माँ के पास आता है और कहता है, रो मत माँ मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना कहकर विजय अपनी माँ को गले लगा लेता है। अगले सीन में कहानी अपने लीप में जाती है। विजय यानी वसंतनाथ रवि अब एक नौजवान है। घर के अंदर से उर्मिला आती है और कहती है, विजय ले दही चीनी खा ले, आज तेरा इंटरव्यू है ना। विजय दही चीनी खाकर अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। मुंह बनाकर विजय वापस घर लौटता है। उर्मिला को लगता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब तक विजय मिठाई खिलाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ अब तेरा नालायक बेटा टीचर बन गया है। आखिर कैसे बनेगा विजय टीचर से जेलर? कौन है नया जेलर, किससे मिला रमा? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ इंडिया में भगवान की तरह पूजे जाने वाले रजनीकांत एक धमाकेदार फिल्म के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं और उनकी इस फिल्म का नाम जेलर है। फिल्म के फर्स्ट पोस्टर ने ही इसकी हाइप काफी ज्यादा हाई कर दी है। फिल्म में रजनीकांत सर एक जेलर के रोल में नजर आने वाले हैं। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में रजनी सर के अलावा बी टाउन की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका मोहन, शिवराज कुमार, रम्या कृष्णन जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं।
इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कहानी में विजय यानी वसंत रवि अपने गांव से शहर आता है। शहर आने पर उसे पता चलता है कि सुनैना यानी प्रियंका मोहन ने कॉलेज छोड़ दिया है। विजय उसके घर भी जाता है लेकिन उसे सुनैना नहीं मिलती है। विजय को पता चलता है कि सुरेश चंद्र उसके गांव आने वाला है। विजय सुरेश से मिलने गांव पहुंचता है जहां सुरेश यानी विनय खान पहले से ही मौजूद है। सुरेश और उसके गुंडे मिलकर विजय को जान से मार देते हैं और उसकी लाश को पास की नदी में फेंक देते हैं। पुलिस को विजय की लाश नहीं मिलती है। अगले सीन में कहानी में रमा यानी रजनीकांत की एंट्री होती है जो शहर के सबसे बड़े बदनाम जेल का नया जेलर है। रमा अंदर आता है। पियोन यानी योगी बाबू उससे पूछते हैं, ए कौन हो तुम? रमा कहता है, जेलर। पियोन जल्दी जल्दी टेबल साफ करने लगता है। पियोन पूछता है, कहां से आए हैं साहब? इस शहर के तो लगते नहीं है। रमा कहता है, मैं कौन हूं, क्या हूं और किस लिए आया हूं बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। बस ये जान लो कि अपना एक बड़ा मकसद लेकर इस शहर में आया हूं। पियोन धीरे से कहता है, ये क्या बवाल भेज दिए प्रभु, मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। रमा देखता है कि जेल में एक भी कैदी नहीं है। रमा पियोन से पूछता है, यहां कैदियों को क्यों नहीं रखा गया है? पियोन बताता है कि इस जेल में जितने भी कैदी रहे हैं वो सब भाग जाते हैं। रमा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। रमा हेड ऑफिस से जेल की हालत ठीक करने और वहां कैदियों को लाने की सिफारिश करता है। गवर्नमेंट उस जेल में कैदियों को भेजना शुरू कर देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ कैदी जेल से भाग रहे हैं। उस वक्त रमा वहां मौजूद नहीं है। कैदी जेल से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक कैदी कहता है, बड़ा आया साला, हमें बंद करके रखेगा। तब तक वो देखता है कि सामने रमा खड़ा है। अगले सीन में रमा उन सभी भागने वाले कैदियों के पैर पर बेल्ट से मारते हुए नजर आता है, जिसके बाद से कैदी उसके नाम से डरने लगते हैं। कुछ दिन बाद पूरे शहर में यह खबर फैल जाती है कि रमा की जेल में एक कैदी ही हत्या कर दी गई है, लेकिन खूनी का कहीं से कुछ भी नहीं पता चल गया है। अगले पल रमा जेल के बाथरूम में खून से सना हुआ चाकू धो रहा है। अपना पूरा हाथ साफ करने के बाद रमा मिरर में देखते हुए कहता है, अब कोई नहीं बचेगा, और तेज तेज हंसने लगता है। अगले सीन में रमा को उसके सीनियर ऑफिसर की तरफ से एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है। रमा अच्छी तरह से तैयार होकर पार्टी में पहुंचता है। पार्टी में जाते ही रमा की नजर सुनैना पर पड़ती है और उसके साथ ही कहानी में ऐश्वर्या राय बच्चन की एंट्री होती है। क्या रमा जानता है सुनैना को? क्या रमा ही खूनी है? जानने के लिए 50 कंबल रखवा दिए थे। पुलिस के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। गरीब अपने इस नए रखवाले को जानते ही नहीं है कि आखिर ये कौन क्यों कर रहा है, लेकिन बिना जाने समझे ही वो सब इस गिरोह के लोगों को भगवान मानने लगे हैं। ये ग्रुप ऐसा है कि जो गरीबों की मदद कंबल चादर से लेकर दवाई गोली तक कर रहा है, इसलिए शायद पुलिस भी इन्हें पकड़ने में उतनी फुर्ती नहीं दिखा रही है जितना कि उन्हें दिखाना चाहिए। लेकिन अभी अभी एक खबर ही सामने आई है कि इनके गिरोह का एक आदमी चेन्नई की सेंट्रल जेल में कैद है और ये सब उसे छुड़वाने में लगे हुए हैं, और उसे छुड़वाने के लिए ये लोग कुछ भी कर गुजर सकते हैं। पुलिस ने आम जनता से ये छुपा कर रखा है कि आखिर कौन है इसके गिरोह का जेल के अंदर, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इसके बारे में बाहर बैठी जनता को कुछ पता चल गया तो वो खुद ये केस अपने हाथों में लेते हुए सड़कों पर उतर आएगी और ना चाहते हुए भी दंगे फसाद हो जाएंगे। मीडिया अपने तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई है कि कैसे पता लगे कि आखिर है कौन वो आदमी जिसने ये किया है, क्या करवाया है। लेकिन इस सब में एक कैरेक्टर है जिसने इस केस पर बहुत ही पारखी नजर रख रखी है। वो एक एक स्टेप पर आंख गड़ाए हुए बैठे हैं। गैंग वालों ने एक बार जेल के अंदर भी घुसने की कोशिश की है, लेकिन जेलर ने उन्हें उनके इस काम को अंजाम नहीं देने दिया। जेलर के रवैये से लग रहा है कि उसे कुछ ऐसा पता है जो सिर्फ उसे ही पता है और किसी को नहीं। तो हो सकता है कि उसको पता है कि ये गैंग कौन है और इसका सरदार भी कौन है। पुलिस किस तरह से इस गिरोह को पकड़ती है ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस की इतनी निगरानी के कारण अब ये रॉबिन हुड गैंग गरीबों की इतनी मदद नहीं कर पा रहा। जनता में अब आक्रोश और गुस्से की स्थिति बनने लगी है।
अब ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये गुस्सा जाकर किस पर फूटेगा, पुलिस पर या रॉबिनहुड गैंग पर, और जेलर कैसे इन सब से पुलिस और जेल दोनों के फेवर में कुछ कर पाएगा। जेलर का जब अपना सच रॉबिनहुड के मुखिया को पता चला तो जैसे उसके मन में जेलर के लिए ही एक दोस्ती का इमोशन आया कि एक्चुअली जेलर जैसा है वैसा होने से उसके अपने कारण है। उसका अपना एक दर्द है, एक ऐसा दर्द है जो जेलर हमेशा सबसे छुपाया रहता है। उसके मन में ये है कि अगर उसने किसी को देखकर मुस्कुरा दिया, इसका मतलब ये होगा कि उसने खुद को माफ कर दिया उस गलती के लिए जिसकी सजा वो खुद को इतने सालों से देता आ रहा है। जेलर एक बहुत अच्छा आदमी है, ये बात जानने के बाद मुखिया ने ये डिसाइड किया कि वो यहां से निकलने के बाद जेलर के लिए भी कुछ करना चाहता है। जेलर ने बातों ही बातों में एक दिन मुखिया से अपने मन की बहुत सी बातें साझा की, जिसमें वो ये भी कह गया कि कैसे उसके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और उसूलों वाला होने के कारण उसके एक लौते बेटे की जान चली गई, और कैसे उसने वो सब सहा और देखा जो कभी किसी बाप को ना मिले देखने को। और यहीं से मुखिया के थ्रू हम सबको भी जेलर के इस गुमनाम सफर में साथ बनने का मौका मिलता है। जेलर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसका एक छोटा सा परिवार था, उसकी माँ, बीवी और उसका एक जवान बेटा। सब इस शहर में एक खुश मिडिल क्लास फैमिली की तरह रह रहे थे। उसका बेटा बहुत होनहार था, डॉक्टर बनना चाहता था और उसकी पढ़ाई रंग भी लाई थी। उसका एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में हो गया था। तब जेलर भी अपनी पुलिस की पोस्ट में खूब मेहनत से काम कर रहा था और उनकी ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। एक बार जेलर के पास एक ऐसा केस आया जिसने एक्चुअली में सब बदल कर रख दिया, जेलर की जिंदगी और उनके परिवार वालों की भी। इस केस में एक बड़े मंत्री के बेटे के ऊपर रेप केस था। इसका इंचार्ज जेलर को बनाया गया और जैसा कि हमेशा से ईमानदारी से काम करने वाले जेलर के लिए ये केस भी बाकी केसेस जैसा था। बिना कोई घपला किए जेलर सबूतों की तह तक जाना चाहता था। वो अपना काम कर ही रहा था। लड़की के माँ बाप को भी उम्मीद थी कि उनके बेटी को न्याय मिलेगा, जेलर उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। और इसी बीच कुछ गुंडों ने जेलर के बेटे को उठा लिया और ये धमकी दी अगर जेलर ने सारे सबूत उनके हवाले नहीं किए तो वो उनके बेटे को मार डालेगा। जेलर ने सोचा कि ये सब उसे डराने के लिए कहा जा रहा था। उसने अपने बेटे को कहा कि वो कुछ दिन अलर्टनेस से रहे और अपना ध्यान रखे। बेटे ने वैसा ही किया। जेलर बिना ज्यादा चिंता किए अपना काम वापस चालू कर दिया और अपना केस सॉल्व करने लगा। लेकिन इस बार उसके बेटे पर सच में उसी के कॉलेज के अंदर घुसकर हमला हुआ। उसके बेटे के सिर पर लोहे के रॉड से हमला किया गया। बेटा बेहोश हो गया, उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। सबके होते हुए भी एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण उसके बेटे की जान चली गई और ये ट्रॉमा जेलर की वाइफ से सहन नहीं हुआ और वो भी चल बसी। अब घर पर एक बूढ़ी माँ है जिन्हें बहुत पहले पैरालिसिस का अटैक आया था और वो भी बस एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है। और जेलर ने उसी वक्त जिंदा महसूस करना बंद कर दिया था जब उसने बेटे की सांसें थमते हुए देखी थी। जेलर ने खुद को ये सजा इसलिए दी थी क्योंकि अगर वो गुंडों की बात मान जाता तो शायद उसका बेटा जिंदा होता। और शायद यही दर्द जेलर और मुखिया को कनेक्ट कर देता है। मुखिया की क्या कहानी है ये तो आज भी एक पहेली है और वो किसी को बताते भी नहीं है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो वो इस प्रोफेशन में आ गए और फिर वो सब गरीबों के मसीहा बन गए। सब कहानी में जय रोहित की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। रात के वक्त समीरा अपने कमरे में सोने पहुंचती है, तभी उस पर कोई चाकू से हमला करता है। समीरा किसी तरह इस वार से बच जाती है। हमलावार उसे रस्सी से बांधने की कोशिश करता है, तभी एक जोरदार झंझनाहट की आवाज होती है। इंस्पेक्टर शिवा टेबल पर रखे फ्लावर पॉट से हमलावार को मार देता है। ये हमलावार कोई और नहीं बल्कि रिंग रोड का जेलर जय है। चोट की वजह से जय बेहोश होने लगता है। बेहोश होते होते उसके कान में शिवा की आवाज पड़ती है, मुझे पता था ये जरूर आएगा। अगले दिन जय खुद को हॉस्पिटल के अंदर पाता है। शिवा और समीरा उसके रूम में आते हैं। शिवा जय के बगल में बैठते हुए कहता है, अब आप अपनी कहानी खुद बताएंगे जेलर साहब या मैं बताऊं? थोड़ा रुकने के बाद जय कहता है, 6 साल पहले मेरी शादी उर्मिला से हुई थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इस शादी में उसकी रजामंदी नहीं है। उर्मिला जब शादी करके घर आई तभी से उसका बिहेवियर मेरे लिए कुछ ठीक नहीं रहता था, लेकिन मैंने उसे हमेशा ही प्यार किया। उसके लिए मैं टीचर की नौकरी छोड़ जेलर तक बन गया।
लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही है। दरअसल शादी के पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था जो दिखने में मुझसे कहीं ज्यादा हैंडसम था, और शायद यही वजह थी कि उर्मिला ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ही नॉर्मल रहता था। शिवा बीच में टोकते हुए कहता है, तो तुम्हारी बीवी इस वक्त कहाँ है? जय मुस्कुराते हुए कहता है, वो आराम कर रही है। पिछले 5 सालों से वो आराम ही तो कर रही है। यहाँ कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है। एक रात जय को अपने काम से वापस घर आने में काफी लेट हो जाता है। जय घर के अंदर आते हुए कहता है, पता नहीं उर्मिला ने अभी तक खाना खाया भी होगा या नहीं। तभी उसे किसी के हंसने और बोलने की आवाजें आती है। जय धीरे धीरे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ता है और थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखता है कि उर्मिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके बेडरूम में है। जय उर्मिला से मिला हुआ ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और गुस्से में किचन से चाकू लेकर बेडरूम में पहुंचता है। उर्मिला जय को देखकर घबराते हुए कहती, देखो जय, जो तुम सोच रहे वो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गुस्से में पागल हो चुका जय उर्मिला के बॉयफ्रेंड पर चाकू से कई बार वार कर देता है। ये सब देखकर उर्मिला जय को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, ये क्या किया तुमने? तुमने अपनी औकात देखी है? तुम कभी मेरे लायक थे ही नहीं, समझे? उर्मिला के मुंह से निकलते ये अल्फाज जय को तीर की तरह चुभते हैं। गुस्से में आकर जय उर्मिला को भी चाकू से मार देता है। और अगले सीन में इंस्पेक्टर पूछता है, फिर तुमने दोनों डेड बॉडीज का क्या किया? जय तेज तेज हंसने लगता है। कहानी फिर अपने फ्लैशबैक में जाती है। अगली सुबह जय की नींद खुलती है तो उसकी आंखों के सामने उर्मिला की लाश पड़ी है। उस वक्त जय को होश आता है कि गुस्से में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जय उर्मिला को उठाकर तेज तेज रोने लगता है। अगले पल वो कब्र में रखी आरी लाता है और उर्मिला के बॉयफ्रेंड की लाश के टुकड़े टुकड़े करके उससे आस पास के जंगल में फेंक देता है। समीरा पूछती है, लेकिन उर्मिला का क्या हुआ? अगले सीन में पुलिस जय के घर पहुंचती है जहां से उन्हें उर्मिला की डेड बॉडी मिलती है। एक्सपर्ट टीम शिवा से कहती है, आज से पहले इतना पागलपन वाला प्यार कभी नहीं देखा। उर्मिला के बॉडी पर एक लेप मिला है जिससे किसी बॉडी को कई सालों तक सेफ रखा जाता है। आसपास की चीजें देखकर ये साफ पता चलता है कि जय उर्मिला को एक जिंदा इंसान जैसे ट्रीट करता था, जैसे उसे खाना खिलाना, उसके लिए पानी रखना। और एक खास बात यह है सर कि जय खुद भी पिछले 5 साल से यही इसी डेड बॉडी के पास होता था। तभी शिवा को धूप बत्ती की महक याद आती है। शिवा कहता है, ओ तो वो इसलिए घर में धूप बत्ती जला कर रखता था ताकि किसी को भी उर्मिला की डेड बॉडी की आने वाली स्मेल का पता ना चले। स्ट्रेंज। अगले सीन में जय कोर्ट में ये बयान देता है कि उर्मिला से पाए धोखे की वजह से वो आज तक सभी एक तरफा आशिकों की मदद करता आया था ताकि वो लोग भी उसकी तरह अपने प्यार का बदला उन लड़कियों से ले सके। जय की दिमागी हालात को देखते हुए कोर्ट उसे डॉक्टर की निगरानी में रखकर उम्र कैद की सजा सुनाती है। कोर्ट से निकलते वक्त जय देखता है कि उसके सामने रघु और रोहित खड़े हैं। रघु जिसे शिवा ने अपनी मोहरा बनाया था और हवलदार रोहित ने समीरा के साथ मिलकर झूठा नाटक किया था। जय उनसे कुछ भी नहीं बोलता, बस एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वहां से चला जाता है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, ये हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। मैं अपर्णा सिन्हा फिर मिलूंगी आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? वो कैदी कहता है, अरे तुझे नहीं पता साहब आने वाले हैं? साहब, उनका कहना है जेल एक मंदिर है और मंदिर में गंदगी नहीं रहती है, इसलिए आज हम सब मिलकर अपनी अपनी जेल की सफाई कर रहे हैं। चल चल उठ, तू भी काम पर लग जा। तभी वहाँ जेलर आ जाता है। कैदियों को काम करता देख जेलर कहता है, अरे वाह, आज तो सब काम पर लगे हैं, क्या बात है, अच्छा है, करो करो। सरकार तो जेल की सफाई पुताई पर ध्यान नहीं देती, तुम लोग ही करो। एक जेलर कहता है, ए मुंह बंद कर अपना, ये सब हम जेल के लिए, यहाँ तेरे लिए नहीं कर रहे। जेलर कहता है, अच्छा बेटा, ऐसा कौन सा नवाब पैदा हो गया जिसके लिए ये सब हो रहा है? तभी रनू दौड़ते हुए आता है। जेलर कहता है, अरे रे आज तो इतनी लेट कैसे हो गया, तुझे आने का टाइम नहीं पता क्या? रनू कहता है, अरे सर एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसको सुनकर आपको अपने नाम के आगे लेट दिखने लगेगा। जेलर कहता है, अरे यार जिसको देखो वो पहेलियाँ बुझाता रहता है, साफ साफ बताओ बात क्या है? रनू कहता है, अरे सर वो मर गया, वो कैदी जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। जेलर ये सब सुनकर हैरान हो जाता है।
रन्नू कहता है, अभी खड़े मत हो सर, एक और खबर है और वो ये है कि रघु आ जाने वाला है। जेलर रघु का नाम सुनते ही डरने लगता है। उधर जेल में झाड़ू लग रहा है, कैदी नंबर 420 ये सब देख रहा है और सोचता है कौन है ये रघु। अगले सीन में रन्नू बार बार जेल के मेन गेट पर जाकर रघु का वेट करता है। जेलर कहता, ए तेरी बारात आने वाली है जो तू ऐसे इंतजार कर रहा है। रन्नू शर्माते हुए कहता है, क्या सर आप भी, मैं तो बारात लेकर जाऊंगा। तभी वहां रघु की एंट्री होती है। रघु को देखते ही जेलर के पसीने छूटने लगते हैं। रघु अंदर आता है और जेलर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, कैसे हो जेलर। रन्नू थोड़ा पानी पिलाओ अपने साहब को, इनके तो अभी से पसीने छूट रहे हैं। रघु अपने कैदियों के पास पहुंचता है। सभी कैदी मिलकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं, लेकिन कैदी नंबर 420 कोने में चुपचाप खड़ा रहता है। रघु पूछता है, कैसे हो तुम सब। सभी कैदियों की एक साथ आवाज आती है, आपकी दुआ है मालिक। रघु की नजर कैदी नंबर 420 पर पड़ती है। रघु उसे देखते हुए कहता, ए इधर आओ। कैदी नंबर 420 रघु के पास आता है। रघु से पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा। एक कैदी बोल पड़ता है, 420 मालिक। सभी कैदी और रन्नू हंसने लगते हैं। रन्नू फिर कैदी नंबर 420 उसका नाम पूछता है। कैदी नंबर 420 कहता है, मेरा नाम रमा है। कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है। रमा रमा उठो बेटा, देर हो रही है। रमा की माँ सुनीता उसे आवाज लगाती है। रमा अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा है। सुनीता फिर आवाज लगाती है, रमा उठो, 9 बज गए हैं, कॉलेज नहीं जाना। रमा आंखें मलते हुए कहता है और कहता है, क्या माँ, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं, एकदम लाइफ सेट वाला सपना। सुनीता कहती है, अरे बेटा जैसे तो दुनिया को अच्छा देखता है और सोचता है, उससे बहुत अलग है ये दुनिया। चल अब तैयार हो जा, आज कॉलेज का पहला दिन है ना। रमा उठकर बाथरूम में चला जाता है। रमा एक सिंपल सा लड़का है जिसके लिए पूरी दुनिया किसी सुनहरे सपने से कम नहीं है। ऐसा क्या हुआ रमा के साथ जो उसे जेल जाना पड़ा। फिर दोस्तों क्या लगता है आपको, हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। क्या बताया रोशनी ने। इस वक्त रजनीकांत अपनी अपकमिंग फिल्म जेलर के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में वो एक जेलर के रोल में नजर आने वाले हैं। रजनीकांत सर के साथ इस फिल्म में बी टाउन की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन भी शामिल होंगी। इनके अलावा फिल्म में प्रियंका मोहन, शिव राजकुमार, रम्या कृष्णन जैसे कई कलाकार हमें नजर आने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों कि कहानी में रघु राज यानी रजनीकांत अपनी पत्नी उर्मिला यानी रम्या कृष्णन के साथ अपनी बेटी रोशनी यानी प्रियंका मोहन के आने की खुशी मनाता है। एक दिन रघुराज घर आकर देखता है कि किसी ने रोशनी का रेप कर दिया है और उर्मिला को भी चाकू मार दिया है। अगले सीन में जेल के अंदर एक नए कैदी राजा की एंट्री होती है। राजा जेल के अंदर सिगरेट पीते हुए आता है। रघुराज उससे पूछता है, किस लिए सजा मिली है तुम्हें। राजा कहता है, अपुन रेप केस में अंदर आया है और जेलर तू टेंशन मत ले, अपुन अरमान भाई का आदमी है, परसों तक अपुन यहाँ से बाहर होगा। पियून यानी योगी बाबू कहता है, जेल नंबर 5 के अंदर जाकर देख बेटा, तू बाहर नहीं ऊपर पहुंचेगा। राम राम राम। रघुराज उसे जेल में डाल देता है। वो बाहर अपने टेबल पर बैठा राजा के बारे में सोचता है। पीएन रघुराज के पास आता है और कहता है, साहब आपको क्या लगता है कि परसों तक टिक पाएगा। रघुराज उसे घूरने लगता है। पीएन राजा को खाना देने अंदर जाता है और कहता है, यहाँ जितनी भी बार तुम्हें खाना मिलेगा तुम उसे अपनी जिंदगी का आखिरी निवाला समझकर खाना, ठीक है। राजा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, अगर तुम्हारे जेलर ने मुझे तीसरे दिन यहाँ से नहीं निकाला तो चौथे दिन तुम सबका चौथा होगा। पियन दबी आवाज में कहता है, खा ले बेटा, अगर इस जेल के भूत ने तुझे भूत नहीं बना दिया तो मैं यहाँ का पियन नहीं। सामने बैठा रघुराज ये सारी बातें सुनता रहता है। कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। एक दिन रोशनी अपने कॉलेज से लौटकर घर आती है, तभी रास्ते में उसे राजा रोक लेता है और कहता है,
अरे मेरी रोशनी, कहाँ जा रही है? एक बार मुझे भी तो मौका दे अपनी सेवा करवाने का। गुस्सेल रोशनी उसके पास आती है और उसे एक तमाचा मार देती है। क्यों, मिला मौका या और दूं? ऐसा कहते हुए रोशनी वहां से चली जाती है। राजा कहता है, इस लड़की को पता नहीं है कि इसने किसके ऊपर हाथ उठाया है। अगले सीन में रोशनी और उर्मिला जख्मी हालात में पड़े हैं। रघुराज देखता है कि रोशनी की सांसें चल रही है। रघुराज रोशनी से पूछता है, किसने किया ये बेटा, एक बार नाम बता दो उसका। तुम्हारी कसम उसे इतना ज्यादा मारूंगा ना कि वो सोचेगा भी नहीं। रोशनी दर्द भरी आवाज में कहती है, राजा और उसके भाई अरमान, वो लोग यहाँ आए थे और उन्होंने मेरे साथ। इतना कहते ही रोशनी दम तोड़ देती है। रघुराज उसे गले लगाकर चीख चीख कर रोने लगता है। इधर अपर्णा यानी ऐश्वर्या राय बच्चन रघुराज की पूरी हिस्ट्री पता कर लेती है और उसे अब शक नहीं पूरा यकीन हो जाता है कि जेल नंबर 5 में हो रहे खून के पीछे रघुराज का ही हाथ है। अपर्णा पुलिस इंस्पेक्टर यानी वसंत रवि के पास भागती हुई आती है और कहती है, जल्दी करिए इंस्पेक्टर, वरना एक और मौत होनी तय है। रात का सीन है, राजा आराम से जेल नंबर 5 में सो रहा है। तभी उसे कहीं से चाकू की धार तेज करने की आवाज आती है। राजा उठकर बैठ जाता है और आगे बढ़कर पूछता है, कौन है वहां? किसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? आगे कहानी में क्या होने वाला है, ये सब आपको पता चलेगा हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। वेल दोस्तों, क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में? हो रही है, सोर्सेस की माने तो ये फिल्म साल 2023 में सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचाते हुए नजर आएगी। इस फिल्म में रजनीकांत एक जेलर के रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में रजनीकांत के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका मोहन, शिवराज कुमार, राम्या कृष्णन जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई के रिसर्च सेंटर से, जहां की स्टूडेंट अपर्णा यानी ऐश्वर्या राय बच्चन अपने प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरी आती है और लाइब्रेरियन से पूछती है, मुझे जेल नंबर 5 पर लिखी कुछ बुक्स चाहिए। लाइब्रेरियन हैरानी से पूछता है, जेल नंबर 5 की बुक्स क्यों? अपर्णा कहती है, हाँ एक्चुअली मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। लाइब्रेरियन उसे जेल नंबर 5 पर लिखी हर बुक दिखाता है। अपर्णा एक बुक उठाती है और पास रखी चेयर पर बैठकर पढ़ने लगती है। वो जैसे ही पहला पेज खोलती है, उसमें एक खून से सना हुआ चाकू और दूसरे पेज पर एक फांसी का फंदा दिखाया जाता है। अपर्णा पूछती है, ये जेल नंबर 5 में आज तक कितने जेलर आए हैं? लाइब्रेरियन कहता है, ये तो पता नहीं, पर एक जेलर है जिसका नाम रघुराज है। वो काफी लंबे अरसे से उसी जेल का जेलर बना हुआ है। अपर्णा कहती है, ये जेल नंबर 5 इतना फेमस क्यों है? लाइब्रेरियन कहता है, वो तो पता नहीं बेटा, पर लोग कहते हैं कि उसमें जाने वाला हर इंसान मरकर ही बाहर आता है, और आज तक जितने भी लोग उस जेल में बंद हुए हैं, सब ने खुदकुशी की है। कुछ लोगों का कहना है कि वहां भूत प्रेत का साया है, इसीलिए आज कोई भी कैदी उसमें जाने से डरता है, लेकिन सरकार इसे अफवाह बताती है। अगले सीन में कोर्ट शहर के सबसे बड़े डॉन के राइट हैंड राजा यानी ब्रह्मनादन को उम्र कैद की सजा सुनाती है और उसे जेल नंबर 5 में डालने का ऑर्डर देती है। राजा चिल्लाता हुआ कहता है, नहीं नहीं प्लीज जज साहब, मुझे फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे उस जेल में मत भेजिए प्लीज। पुलिस उसे जबरदस्ती पकड़ कर गाड़ी में बैठा देती है। गाड़ी जेल के सामने आकर रुकती है। राजा को जबरदस्ती जेल नंबर 5 में बंद कर दिया जाता है। अगले सीन में रात को सन्नाटा दिखाया जाता है। राजा आराम से जेल में अपने बेंच पर सो रहा है, तब उसे कुछ आवाजें आती हैं। राजा जाग के देखता है तो कोई भी दिखाई नहीं देता। तब तक उसमें सामने से एक काला साया आकर खड़ा हो जाता है और राजा तेजी से चिल्लाता है। अगले सीन में अपर्णा जेल नंबर 5 के सामने पहुंचती है। उसके पहुंचने पर ही जेलर रघुराज यानी रजनीकांत वहां पहुंच जाता है। रघुराज अपर्णा को वहां देखकर परेशान हो जाता है और अपने जेल के पियून से सभी जेल की सफाई करने को बोलता है। रघुराज अपर्णा से कहता है, सो कौन है आप और यहाँ क्यों आई हैं? अपर्णा कहती है, जी मैं वो। तब अंदर से पियून की चिल्लाने की आवाज आती है। रघुराज और अपर्णा दोनों ही दौड़कर अंदर जाते हैं और सामने का नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं। तो क्या देखा रघुराज और अपर्णा ने, जानने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। के साथ इस फिल्म में बी टाउन की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका मोहन, शिवराज कुमार, राम्या कृष्णन जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है शहर के जेल खाने से। यह शहर का सबसे पुराना जेल खाना है, जहाँ पर कभी
ट्रूअल जेलर का राज हुआ करता था और आज इस जेल खाने को 75 साल पूरे हो चुके हैं और इसलिए सभी जेलर्स और पुलिस के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जहां पर मीडिया की पूरी भीड़ जमा है। इवेंट शुरू होता है सीनियर जेलर यानी नस्सा स्टेज पर इवेंट की शुरुआत करने के बाद रिपोर्टर्स से उनके सवाल पूछने को कहता है। एक रिपोर्टर पूछता है, सर आप सबसे पुराने जेलर हैं, क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा जेलर रहा है जो बाकियों से हटकर हो? तब तक दूसरा रिपोर्टर पूछ पड़ता है, हाँ सर ये क्रूअल जेलर कौन है और कहाँ है अब ये? सीनियर जेलर अब मुस्कुराता है और कहता है, क्रूअल जेलर, शायद आज इसी नाम से उसे पूरा देश जानता है। लेकिन ताजुब की बात ये है कि उसका नाम और उसकी असलियत हमें भी काफी दिन बाद पता चली। उसका नाम विजय था, एक ऐसा जेलर जिसने इंसाफ की लड़ाई के लिए अपना वजूद तक मिटा दिया। यहाँ अब कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है। अगले सीन में दोस्तों तमिलनाडु का छोटा सा गांव दिखाया जाता है जहाँ लोग पानी के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। गांव की हालत काफी खराब है। सीन में एक घर दिखाया जाता है जहाँ उर्मिला यानी रामकृष्णन चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना रही है। तब तक चूल्हे की आग बुझ जाती है। विजय, विजय लकड़ियां लाने भेजा था इसे, अब तक नहीं आया। ऐसा कहते हुए उर्मिला उठती है और घर के बाहर विजय को खोजने चली जाती है। काका आपने विजय को देखा है क्या? उर्मिला गांव के एक आदमी से पूछती है। आगे चलकर उर्मिला को विजय का दोस्त रघु मिलता है। रघु बताता है कि विजय पहाड़ी के उस पार है। उर्मिला पहाड़ी पर जाकर देखती है तो विजय यानी वरुण बुद्धदेव कंचे खेल रहा था। उर्मिला उसे मारते हुए घर ले आती है और कहती है, तुझे मेरी और घर की हालत दिखाई नहीं देती है? तुझे मैंने लकड़ियां लाने भेजा था ना, जानता है ना तू तेरे पापा के जाने के बाद? इतना कहते ही उर्मिला रोने लगती है। अब विजय अपनी माँ के पास आता है और कहता है, रो मत माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना कहकर विजय अपनी माँ को गले लगा लेता है। अगले सीन में कहानी अपने लीप में जाती है। विजय यानी वसंतनाथ रवि अब एक नौजवान है। घर के अंदर से उर्मिला आती है और कहती है, विजय ले दही चीनी खा ले, आज तेरा इंटरव्यू है ना। विजय दही चीनी खाकर अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। अब मुंह बनाकर विजय वापस घर लौटता है। उर्मिला को लगता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब तक विजय मिठाई खिलाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ अब तेरा नालायक बेटा टीचर बन गया है। आखिर कैसे बनेगा विजय टीचर से जेलर? कौन है नया जेलर? किससे मिला रमा? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ इंडिया में भगवान की तरह पूजे जाने वाले रजनीकांत एक धमाकेदार फिल्म के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं और उनकी इस फिल्म का नाम जेलर है। फिल्म के फर्स्ट पोस्टर ने ही इसकी हाइप काफी ज्यादा हाई कर दी है। फिल्म में रजनीकांत सर एक जेलर के रोल में नजर आने वाले हैं। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में रजनी सर के अलावा बी टाउन की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका मोहन, शिव राजकुमार, रम्या कृष्णन जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कहानी में विजय यानी वसंत रवि अपने गांव से शहर आता है। शहर आने पर उसे पता चलता है कि सुनैना यानी प्रियंका मोहन ने कॉलेज छोड़ दिया है। विजय उसके घर भी जाता है लेकिन उसे सुनैना नहीं मिलती है। विजय को पता चलता है कि सुरेश चंद्र उसके गाँव आने वाला है। विजय सुरेश से मिलने गांव पहुंचता है जहां सुरेश यानी विनय खान पहले से ही मौजूद है। सुरेश और उसके गुंडे मिलकर विजय को जान से मार देते हैं और उसकी लाश को पास की नदी में फेंक देते हैं। पुलिस को विजय की लाश नहीं मिलती है। अगले सीन में कहानी में रमा यानी रजनीकांत की एंट्री होती है जो शहर के सबसे बड़े बदनाम जेल का नया जेलर है। रमा अंदर आता है। पियोन यानी योगी बाबू उससे पूछते हैं, ए, कौन हो तुम? रमा कहता है, जेलर। पियोन जल्दी जल्दी टेबल साफ करने लगता है। पियोन पूछता है, कहां से आए हैं साहब? इस शहर के तो लगते नहीं है। रमा कहता है, मैं कौन हूं, क्या हूं और किस लिए आया हूं बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। बस ये जान लो कि अपना एक बड़ा मकसद लेकर इस शहर में आया हूं। पियोन धीरे से कहता है, ये क्या बवाल भेज दिए प्रभु, मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। रमा देखता है कि जेल में एक भी कैदी नहीं है। रमा पियोन से पूछता है, यहां कैदियों को क्यों नहीं रखा गया है? पियोन बताता है कि इस जेल में जितने भी कैदी रहे हैं वो सब भाग जाते हैं। रमा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। रमा हेड ऑफिस से जेल की हालत ठीक करने और वहां कैदियों को लाने की सिफारिश करता है। गवर्नमेंट उस जेल में कैदियों को भेजना शुरू कर देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ कैदी जेल से भाग रहे हैं। उस वक्त रमा वहां मौजूद नहीं है। कैदी जेल से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक कैदी कहता है, बड़ा आया साला, हमें बंद करके रखेगा।
तब तक वो देखता है कि सामने रमा खड़ा है। अगले सीन में रमा उन सभी भागने वाले कैदियों के पैर पर बेल्ट से मारते हुए नजर आता है, जिसके बाद से कैदी उसके नाम से डरने लगते हैं। कुछ दिन बाद पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि रमा की जेल में एक कैदी ही हत्या कर दी गई है, लेकिन खूनी का कहीं से कुछ भी नहीं पता चल गया है। अगले पल रमा जेल के बाथरूम में खून से सना हुआ चाकू धो रहा है। अपना पूरा हाथ साफ करने के बाद रमा मिरर में देखते हुए कहता है, अब कोई नहीं बचेगा, और तेज तेज हंसने लगता है। अगले सीन में रमा को उसके सीनियर ऑफिसर की तरफ से एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है। रमा अच्छी तरह से तैयार होकर पार्टी में पहुंचता है। पार्टी में जाते ही रमा की नजर सुनैना पर पड़ती है, और उसके साथ ही कहानी में ऐश्वर्या राय बच्चन की एंट्री होती है। क्या रमा जानता है सुनैना को? क्या रमा ही खूनी है? जानने के लिए 50 कंबल रखवा दिए थे। पुलिस के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। गरीब अपने इस नए रखवाले को जानते ही नहीं है कि आखिर ये कौन क्यों कर रहा है, लेकिन बिना जाने समझे ही वो सब इस गिरोह के लोगों को भगवान मानने लगे हैं। ये ग्रुप ऐसा है कि जो गरीबों की मदद कंबल चादर से लेकर दवाई गोली तक कर रहा है, इसलिए शायद पुलिस भी इन्हें पकड़ने में उतनी फुर्ती नहीं दिखा रही है जितना कि उन्हें दिखाना चाहिए। लेकिन अभी अभी एक खबर ये सामने आई है कि इनके गिरोह का एक आदमी चेन्नई की सेंट्रल जेल में कैद है, और ये सब उसे छुड़वाने में लगे हुए हैं, और उसे छुड़वाने के लिए ये लोग कुछ भी कर गुजर सकते हैं। पुलिस ने आम जनता से ये छुपा कर रखा है कि आखिर कौन है इसके गिरोह का जेल के अंदर, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इसके बारे में बाहर बैठी जनता को कुछ पता चल गया तो वो खुद ये केस अपने हाथों में लेते हुए सड़कों पर उतर आएगी, और ना चाहते हुए भी दंगे फसाद हो जाएंगे। मीडिया अपने तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई है कि कैसे पता लगे कि आखिर है कौन वो आदमी जिसने ये किया है, क्या करवाया है। लेकिन इस सब में एक कैरेक्टर है जिसने इस केस पर बहुत ही पारखी नजर रख रखी है। वो एक एक स्टेप पर आंख गड़ाए हुए बैठे हैं। गैंग वालों ने एक बार जेल के अंदर भी घुसने की कोशिश की है, लेकिन जेलर ने उन्हें उनके इस काम को अंजाम नहीं देने दिया। जेलर के रवैये से लग रहा है कि उसे कुछ ऐसा पता है जो सिर्फ उसे ही पता है और किसी को नहीं। तो हो सकता है कि उसको पता है कि ये गैंग कौन है और इसका सरदार भी कौन है। पुलिस किस तरह से इस गिरोह को पकड़ती है ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस की इतनी निगरानी के कारण अब ये रॉबिन हुड गैंग गरीबों की इतनी मदद नहीं कर पा रहा। जनता में अब आक्रोश और गुस्से की स्थिति बनने लगी है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये गुस्सा जाकर किस पर फूटेगा, पुलिस पर या रॉबिन हुड गैंग पर, और जेलर कैसे इन सब से पुलिस और जेल दोनों के फेवर में कुछ कर पाएगा। जेलर का जब अपना सच रॉबिनहुड के मुखिया को पता चला तो जैसे उसके मन में जेलर के लिए ही एक दोस्ती का इमोशन आया कि एक्चुअली जेलर जैसा है वैसा होने से उसके अपने कारण है। उसका अपना एक दर्द है, एक ऐसा दर्द है जो जेलर हमेशा सबसे छुपाया रहता है। उसके मन में ये है कि अगर उसने किसी को देखकर मुस्कुरा दिया, इसका मतलब ये होगा कि उसने खुद को माफ कर दिया उस गलती के लिए जिसकी सजा वो खुद को इतने सालों से देता आ रहा है। जेलर एक बहुत अच्छा आदमी है। ये बात जानने के बाद मुखिया ने ये डिसाइड किया कि वो यहां से निकलने के बाद जेलर के लिए भी कुछ करना चाहता है। जेलर ने बातों ही बातों में एक दिन मुखिया से अपने मन की बहुत सी बातें साझा की, जिसमें वो ये भी कह गया कि कैसे उसके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और उसूलों वाला होने के कारण उसके एक लौते बेटे की जान चली गई, और कैसे उसने वो सब सहा और देखा जो कभी किसी बाप को ना मिले देखने को। और यहीं से मुखिया के थ्रू हम सबको भी जेलर के इस गुमनाम सफर में साथ बनने का मौका मिलता है। जेलर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसका एक छोटा सा परिवार था, उसकी माँ, बीवी और उसका एक जवान बेटा। सब इस शहर में एक खुश मिडिल क्लास फैमिली की तरह रह रहे थे। उसका बेटा बहुत होनहार था, डॉक्टर बनना चाहता था और उसकी पढ़ाई रंग भी लाई थी। उसका एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में हो गया था। तब जेलर भी अपनी पुलिस की पोस्ट में खूब मेहनत से काम कर रहा था और उनकी ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। एक बार जेलर के पास एक ऐसा केस आया जिसने एक्चुअली में सब बदल कर रख दिया, जेलर की जिंदगी और उनके परिवार वालों की भी। इस केस में एक बड़े मंत्री के बेटे के ऊपर रेप केस था। इसका इंचार्ज जेलर को बनाया गया, और जैसा कि हमेशा से ईमानदारी से काम करने वाले जेलर के लिए ये केस भी बाकी केसेस जैसा था।
बिना कोई घपला किए जेलर सबूतों की तह तक जाना चाहता था। वो अपना काम कर ही रहा था। लड़की के माँ बाप को भी उम्मीद थी कि उनके बेटी को न्याय मिलेगा, जेलर उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। और इसी बीच कुछ गुंडों ने जेलर के बेटे को उठा लिया और ये धमकी दी, अगर जेलर ने सारे सबूत उनके हवाले नहीं किए तो वो उनके बेटे को मार डालेगा। जेलर ने सोचा कि ये सब उसे डराने के लिए कहा जा रहा था। उसने अपने बेटे को कहा कि वो कुछ दिन अलर्टनेस से रहे और अपना ध्यान रखे। बेटे ने वैसा ही किया। जेलर बिना ज्यादा चिंता किए अपना काम वापस चालू कर दिया और अपना केस सॉल्व करने लगा। लेकिन इस बार उसके बेटे पर सच में उसी के कॉलेज के अंदर घुसकर हमला हुआ। उसके बेटे के सिर पर लोहे के रॉड से हमला किया गया। बेटा बेहोश हो गया। उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। सबके होते हुए भी एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण उसके बेटे की जान चली गई और ये ट्रॉमा जेलर की वाइफ से सहन नहीं हुआ और वो भी चल बसी। अब घर पर एक बूढ़ी माँ है जिन्हें बहुत पहले पैरालिसिस का अटैक आया था और वो भी बस एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है। और जेलर ने उसी वक्त जिंदा महसूस करना बंद कर दिया था जब उसने बेटे की सांसें थमते हुए देखी थी। जेलर ने खुद को ये सजा इसलिए दी थी क्योंकि अगर वो गुंडों की बात मान जाता तो शायद उसका बेटा जिंदा होता और शायद यही दर्द जेलर और मुखिया को कनेक्ट कर देता है। मुखिया की क्या कहानी है ये तो आज भी एक पहेली है और वो किसी को बताते भी नहीं है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो वो इस प्रोफेशन में आ गए और फिर वो सब गरीबों के मसीहा बन गए। सब कहानी में जय रोहित की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। रात के वक्त समीरा अपने कमरे में सोने पहुंचती है तभी उस पर कोई चाकू से हमला करता है। समीरा किसी तरह इस वार से बच जाती है। हमलावार उसे रस्सी से बांधने की कोशिश करता है तभी एक जोरदार झंझनाहट की आवाज होती है। इंस्पेक्टर शिवा टेबल पर रखे फ्लावर पॉट से हमलावार को मार देता है। ये हमलावार कोई और नहीं बल्कि रिंग रोड का जेलर जय है। चोट की वजह से जय बेहोश होने लगता है। बेहोश होते होते उसके कान में शिवा की आवाज पड़ती है, मुझे पता था ये जरूर आएगा। अगले दिन जय खुद को हॉस्पिटल के अंदर पाता है। शिवा और समीरा उसके रूम में आते हैं। शिवा जय के बगल में बैठते हुए कहता है, अब आप अपनी कहानी खुद बताएंगे जेलर साहब या मैं बताऊं? थोड़ा रुकने के बाद जय कहता है, 6 साल पहले मेरी शादी उर्मिला से हुई थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इस शादी में उसकी रजामंदी नहीं है। उर्मिला जब शादी करके घर आई तभी से उसका बिहेवियर मेरे लिए कुछ ठीक नहीं रहता था, लेकिन मैंने उसे हमेशा ही प्यार किया। उसके लिए मैं टीचर की नौकरी छोड़ जेलर तक बन गया, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही है। दरअसल शादी के पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था जो दिखने में मुझसे कहीं ज्यादा हैंडसम था और शायद यही वजह थी कि उर्मिला ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं क्योंकि मैं हमेशा ही नॉर्मल रहता था। शिवा बीच में टोकते हुए कहता है, तो तुम्हारी बीवी इस वक्त कहाँ है? जय मुस्कुराते हुए कहता है, वो आराम कर रही है। पिछले 5 सालों से वो आराम ही तो कर रही है। यहाँ कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है। एक रात जय को अपने काम से वापस घर आने में काफी लेट हो जाता है। जय घर के अंदर आते हुए कहता है, पता नहीं उर्मिला ने अभी तक खाना खाया भी होगा या नहीं। तभी उसे किसी के हंसने और बोलने की आवाजें आती है। जय धीरे धीरे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ता है और थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखता है कि उर्मिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके बेडरूम में है। जय उर्मिला से मिला हुआ ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और गुस्से में किचन से चाकू लेकर बेडरूम में पहुंचता है। उर्मिला जय को देखकर घबराती हुई कहती, देखो जय, जो तुम सोच रहे वो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गुस्से में पागल हो चुका जय उर्मिला के बॉयफ्रेंड पर चाकू से कई बार वार कर देता है। ये सब देखकर उर्मिला जय को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, ये क्या किया तुमने? तुमने अपनी औकात देखी है? तुम कभी मेरे लायक थे ही नहीं, समझे? उर्मिला के मुंह से निकलते ये अल्फाज जय को तीर की तरह चुभते हैं। गुस्से में आकर जय उर्मिला को भी चाकू से मार देता है। और अगले सीन में इंस्पेक्टर पूछता है, फिर तुमने दोनों डेड बॉडीज का क्या किया? जय तेज तेज हंसने लगता है। कहानी फिर अपने फ्लैशबैक में जाती है। अगली सुबह जय की नींद खुलती है तो उसकी आंखों के सामने उर्मिला की लाश पड़ी है। उस वक्त जय को होश आता है कि गुस्से में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जय उर्मिला को उठाकर तेज तेज रोने लगता है। अगले पल वो कब्ज में रखी आरी लाता है और उर्मिला के बॉयफ्रेंड की लाश के टुकड़े टुकड़े करके उससे आस पास के जंगल में फेंक देता है। समीरा पूछती है, लेकिन उर्मिला का क्या हुआ?
अगले सीन में पुलिस जय के घर पहुंचती है जहां से उन्हें उर्मिला की डेड बॉडी मिलती है। एक्सपर्ट टीम शिवा से कहती है आज से पहले इतना पागलपन वाला प्यार कभी नहीं देखा। उर्मिला के बॉडी पर एक लेप मिला है जिससे किसी बॉडी को कई सालों तक सेफ रखा जाता है। आसपास की चीजें देखकर ये साफ पता चलता है कि जय उर्मिला को एक जिंदा इंसान जैसे ट्रीट करता था, जैसे उसे खाना खिलाना, उसके लिए पानी रखना। और एक खास बात ये है सर कि जय खुद भी पिछले 5 साल से यही इसी डेड बॉडी के पास होता था। तभी शिवा को धूप बत्ती की महक याद आती है। शिवा कहता है ओ तो वो इसलिए घर में धूप बत्ती जला कर रखता था ताकि किसी को भी उर्मिला की डेड बॉडी की आने वाली स्मेल का पता ना चले। स्ट्रेंज। अगले सीन में जय कोर्ट में ये बयान देता है कि उर्मिला से पाए धोखे की वजह से वो आज तक सभी एक तरफा आशिकों की मदद करता आया था ताकि वो लोग भी उसकी तरह अपने प्यार का बदला उन लड़कियों से ले सके। जय की दिमागी हालात को देखते हुए कोर्ट उसे डॉक्टर की निगरानी में रखकर उम्र कैद की सजा सुनाती है। कोर्ट से निकलते वक्त जय देखता है कि उसके सामने रघु और रोहित खड़े हैं। रघु जिसे शिवा ने अपनी मोहरा बनाया था और हवलदार रोहित ने समीरा के साथ मिलकर झूठा नाटक किया था। जय उनसे कुछ भी नहीं बोलता, बस एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वहां से चला जाता है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, ये हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। मैं अपर्णा सिन्हा फिर मिलूंगी आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? वो कैदी कहता है अरे तुझे नहीं पता साहब आने वाले हैं। साहब, उनका कहना है जेल एक मंदिर है और मंदिर में गंदगी नहीं रहती है, इसलिए आज हम सब मिलकर अपनी अपनी जेल की सफाई कर रहे हैं। चल चल उठ, तू भी काम पर लग जा। तभी वहाँ जेलर आ जाता है। कैदियों को काम करता देख जेलर कहता है अरे वाह, आज तो सब काम पर लगे हैं, क्या बात है, अच्छा है, करो करो। सरकार तो जेल की सफाई पुताई पर ध्यान नहीं देती, तुम लोग ही करो। एक जेलर कहता है ए मुंह बंद कर अपना, ये सब हम जेल के लिए, यहाँ तेरे लिए नहीं कर रहे। जेलर कहता है अच्छा बेटा, ऐसा कौन सा नवाब पैदा हो गया जिसके लिए ये सब हो रहा है। तभी रनू दौड़ते हुए आता है। जेलर कहता है अरे रे आज तो इतनी लेट कैसे हो गया, तुझे आने का टाइम नहीं पता क्या? रनू कहता है अरे सर एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसको सुनकर आपको अपने नाम के आगे लेट दिखने लगेगा। जेलर कहता है अरे यार जिसको देखो वो पहेलियां बुझाता रहता है, साफ साफ बताओ बात क्या है। रनू कहता है अरे सर वो मर गया, वो कैदी जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। जेलर ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। रनू कहता है अभी खड़े मत हो सर, एक और खबर है और वो ये है कि रघु आ जाने वाला है। जेलर रघु का नाम सुनते ही डरने लगता है। उधर जेल में झाड़ू लग रहा है, कैदी नंबर 420 ये सब देख रहा है और सोचता है कौन है ये रघु। अगले सीन में रनु बार बार जेल के मेन गेट पर जाकर रघु का वेट करता है। जेलर कहता ए तेरी बारात आने वाली है जो तू ऐसे इंतजार कर रहा है। रनु शर्माते हुए कहता है क्या सर आप भी, मैं तो बारात लेकर जाऊंगा। तभी वहां रघु की एंट्री होती है। रघु को देखते ही जेलर के पसीने छूटने लगते हैं। रघु अंदर आता है और जेलर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कैसे हो जेलर। रनु थोड़ा पानी पिलाओ अपने साहब को, इनके तो अभी से पसीने छूट रहे हैं। रघु अपने कैदियों के पास पहुंचता है। सभी कैदी मिलकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं, लेकिन कैदी नंबर 420 कोने में चुपचाप खड़ा रहता है। रघु पूछता है कैसे हो तुम सब। सभी कैदियों की एक साथ आवाज आती है आपकी दुआ है मालिक। रघु की नजर कैदी नंबर 420 पर पड़ती है। रघु उसे देखते हुए कहता ए इधर आओ। कैदी नंबर 420 रघु के पास आता है। रघु से पूछता है क्या नाम है तुम्हारा। एक कैदी बोल पड़ता है 420 मालिक। सभी कैदी और रनु हंसने लगते हैं। रनु फिर कैदी नंबर 420 उसका नाम पूछता है। कैदी नंबर 420 कहता है मेरा नाम रमा है। कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है। रमा रमा उठो बेटा देर हो रही है। रमा की माँ सुनीता उसे आवाज लगाती है। रमा अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा है। सुनीता फिर आवाज लगाती है रमा उठो 9 बज गए हैं कॉलेज नहीं जाना। रमा आंखें मलते हुए कहता है और कहता है क्या माँ कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं, एकदम लाइफ सेट वाला सपना। सुनीता कहती है अरे बेटा जैसे तो दुनिया को अच्छा देखता है और सोचता है उससे बहुत अलग है ये दुनिया, चल अब तैयार हो जा आज कॉलेज का पहला दिन है ना। रमा उठकर बाथरूम में चला जाता है। रमा एक सिंपल सा लड़का है जिसके लिए पूरी दुनिया किसी सुनहरे सपने से कम नहीं है।
ऐसा क्या हुआ रमा के साथ जो उसे जेल जाना पड़ा? तो दोस्तों क्या लगता है आपको, हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। क्या बताया रोशनी ने, इस वक्त रजनीकांत अपनी अपकमिंग फिल्म जेलर के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में वो एक जेलर के रोल में नजर आने वाले हैं। रजनीकांत सर के साथ इस फिल्म में बी टाउन की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन भी शामिल होंगी। इनके अलावा फिल्म में प्रियंका मोहन, शिव राजकुमार, रम्या कृष्णन जैसे कई कलाकार हमें नजर आने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों कि कहानी में रघु राज यानी रजनीकांत अपनी पत्नी उर्मिला यानी रम्या कृष्णन के साथ अपनी बेटी रोशनी यानी प्रियंका मोहन के आने की खुशी मनाता है। एक दिन रघुराज घर आकर देखता है कि किसी ने रोशनी का रेप कर दिया है और उर्मिला को भी चाकू मार दिया है। अगले सीन में जेल के अंदर एक नए कैदी राजा की एंट्री होती है। राजा जेल के अंदर सिगरेट पीते हुए आता है। रघुराज उससे पूछता है किस लिए सजा मिली है तुम्हें? राजा कहता है अपुन रेप केस में अंदर आया है और जेलर तू टेंशन मत ले, अपुन अरमान भाई का आदमी है, परसों तक अपुन यहाँ से बाहर होगा। पियन यानी योगी बाबू कहता है जेल नंबर 5 के अंदर जाकर देख बेटा, तू बाहर नहीं ऊपर पहुंचेगा। राम राम राम। रघुराज उसे जेल में डाल देता है। वो बाहर अपने टेबल पर बैठा राजा के बारे में सोचता है। पीएन रघुराज के पास आता है और कहता है साहब आपको क्या लगता है कि परसों तक टिक पाएगा? रघुराज उसे घूरने लगता है। पीएन राजा को खाना देने अंदर जाता है और कहता है यहाँ जितनी भी बार तुम्हें खाना मिलेगा तुम उसे अपनी जिंदगी का आखिरी निवाला समझकर खाना, ठीक है? राजा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है अगर तुम्हारे जेलर ने मुझे तीसरे दिन यहाँ से नहीं निकाला तो चौथे दिन तुम सबका चौथा होगा। पियन दबी आवाज में कहता है खा ले बेटा, अगर इस जेल के भूत ने तुझे भूत नहीं बना दिया तो मैं यहाँ का पियन नहीं। सामने बैठा रघुराज ये सारी बातें सुनता रहता है। कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। एक दिन रोशनी अपने कॉलेज से लौट कर घर आती है, तभी रास्ते में उसे राजा रोक लेता है और कहता है अरे मेरी रोशनी कहाँ जा रही है, एक बार मुझे भी तो मौका दे अपनी सेवा करवाने का। गुस्सेल रोशनी उसके पास आती है और उसे एक तमाचा मार देती है। क्यों मिला मौका या और दूं? ऐसा कहते हुए रोशनी वहां से चली जाती है। राजा कहता है इस लड़की को पता नहीं है कि इसने किसके ऊपर हाथ उठाया है। अगले सीन में रोशनी और उर्मिला जख्मी हालात में पड़े हैं। रघुराज देखता है कि रोशनी की सांसें चल रही है। रघुराज रोशनी से पूछता है किसने किया ये बेटा, एक बार नाम बता दो उसका, तुम्हारी कसम उससे इतना ज्यादा मारूंगा ना कि वो सोचेगा भी नहीं। रोशनी दर्द भरी आवाज में कहती है राजा और उसके भाई अरमान, वो लोग यहाँ आए थे और उन्होंने मेरे साथ। इतना कहते ही रोशनी दम तोड़ देती है। रघुराज उसे गले लगाकर चीख चीख कर रोने लगता है। इधर अपर्णा यानी ऐश्वर्या राय बच्चन रघुराज की पूरी हिस्ट्री पता कर लेती है और उसे अब शक नहीं पूरा यकीन हो जाता है कि जेल नंबर 5 में हो रहे खून के पीछे रघुराज का ही हाथ है। अपर्णा पुलिस इंस्पेक्टर यानी वसंत रवि के पास भागती हुई आती है और कहती है जल्दी करिए इंस्पेक्टर वरना एक और मौत होनी तय है। रात का सीन है, राजा आराम से जेल नंबर 5 में सो रहा है, तभी उसे कहीं से चाकू की धार तेज करने की आवाज आती है। राजा उठकर बैठ जाता है और आगे बढ़कर पूछता है कौन है वहां, किसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, आगे कहानी में क्या होने वाला है, ये सब आपको पता चलेगा हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। वेल दोस्तों क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में हो रही है? सोर्सेस की माने तो ये फिल्म साल 2023 में सिल्वर स्क्रीन्स पर तहलका मचाते हुए नजर आएगी। इस फिल्म में रजनीकांत एक जेलर के रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में रजनीकांत के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका मोहन, शिवराज कुमार, राम्या कृष्णन जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई के रिसर्च सेंटर से, जहां की स्टूडेंट अपर्णा यानी ऐश्वर्या राय बच्चन अपने प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरी आती है और लाइब्रेरियन से पूछती है मुझे जेल नंबर 5 पर लिखी कुछ बुक्स चाहिए। लाइब्रेरियन हैरानी से पूछता है
जेल नंबर 5 की बुक्स। क्यों? अपर्णा कहती है, हाँ एक्चुअली मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। लाइब्रेरियन उसे जेल नंबर 5 पर लिखी हर बुक्स दिखाता है। अपर्णा एक बुक उठाती है और पास रखी चेयर पर बैठकर पढ़ने लगती है। वो जैसे ही पहला पेज खोलती है उसमें एक खून से सना हुआ चाकू और दूसरे पेज पर एक फांसी का फंदा दिखाया जाता है। अपर्णा पूछती है, ये जेल नंबर 5 में आज तक कितने जेलर आए हैं? लाइब्रेरियन कहता है, ये तो पता नहीं, पर एक जेलर है जिसका नाम रघुराज है। वो काफी लंबे अरसे से उसी जेल का जेलर बना हुआ है। अपर्णा कहती है, ये जेल नंबर 5 इतना फेमस क्यों है? लाइब्रेरियन कहता है, वो तो पता नहीं बेटा, पर लोग कहते हैं कि उसमें जाने वाला हर इंसान मरकर ही बाहर आता है, और आज तक जितने भी लोग उस जेल में बंद हुए हैं सबने खुदकुशी की है। कुछ लोगों का कहना है कि वहां भूत प्रेत का साया है, इसीलिए आज कोई भी कैदी उसमें जाने से डरता है, लेकिन सरकार इसे अफवाह बताती है। अगले सीन में कोर्ट शहर के सबसे बड़े डॉन के राइट हैंड राजा यानी ब्रह्मनादन को उम्र कैद की सजा सुनाती है और उसे जेल नंबर 5 में डालने का ऑर्डर देती है। राजा चिल्लाता हुआ कहता है, नहीं नहीं प्लीज जज साहब, मुझे फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे उस जेल में मत भेजिए प्लीज। पुलिस उसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बैठा देती है। गाड़ी जेल के सामने आकर रुकती है। राजा को जबरदस्ती जेल नंबर 5 में बंद कर दिया जाता है। अगले सीन में रात को सन्नाटा दिखाया जाता है। राजा आराम से जेल में अपने बेंच पर सो रहा है, तब उसे कुछ आवाजें आती हैं। राजा जाग के देखता है तो कोई भी दिखाई नहीं देता। तब तक उसमें सामने से एक काला साया आकर खड़ा हो जाता है और राजा तेजी से चिल्लाता है। अगले सीन में अपर्णा जेल नंबर 5 के सामने पहुंचती है। उसके पहुंचने पर ही जेलर रघुराज यानी रजनीकांत वहां पहुंच जाता है। रघुराज अपर्णा को वहां देखकर परेशान हो जाता है और अपने जेल के पियून से सभी जेल की सफाई करने को बोलता है। रघुराज अपर्णा से कहता है, सो कौन है आप और यहाँ क्यों आई हैं? अपर्णा कहती है, जी मैं वो। तब अंदर से पियून की चिल्लाने की आवाज आती है। रघुराज और अपर्णा दोनों ही दौड़कर अंदर जाते हैं और सामने का नजारा देख कर शॉक हो जाते हैं। तो क्या देखा रघुराज और अपर्णा ने, जानने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। के साथ इस फिल्म में बी टाउन की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका मोहन, शिवराज कुमार, राम्या कृष्णन जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है शहर के जेल खाने से। ये शहर का सबसे पुराना जेल खाना है जहाँ पर कभी क्रूअल जेलर का राज हुआ करता था, और आज इस जेल खाने को 75 साल पूरे हो चुके हैं, और इसलिए सभी जेलर्स और पुलिस के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जहां पर मीडिया की पूरी भीड़ जमा है। इवेंट शुरू होता है सीनियर जेलर यानी नस्सा स्टेज पर इवेंट की शुरुआत करने के बाद रिपोर्टर्स से उनके सवाल पूछने को कहता है। एक रिपोर्टर पूछता है, सर आप सबसे पुराने जेलर हैं, क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा जेलर रहा है जो बाकियों से हटकर हो? तब तक दूसरा रिपोर्टर पूछ पड़ता है, हाँ सर ये क्रूअल जेलर कौन है और कहाँ है अब ये? सीनियर जेलर अब मुस्कुराता है और कहता है, क्रूअल जेलर, शायद आज इसी नाम से उसे पूरा देश जानता है। लेकिन ताजुब की बात ये है कि उसका नाम और उसकी असलियत हमें भी काफी दिन बाद पता चली। उसका नाम विजय था, एक ऐसा जेलर जिसने इंसाफ की लड़ाई के लिए अपना वजूद तक मिटा दिया। यहाँ अब कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है। अगले सीन में दोस्तों तमिलनाडु का छोटा सा गांव दिखाया जाता है जहाँ लोग पानी के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। गांव की हालत काफी खराब है। सीन में एक घर दिखाया जाता है जहाँ उर्मिला यानी राम्या कृष्णन चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना रही है। तब तक चूल्हे की आग बुझ जाती है। विजय विजय लकड़ियां लाने भेजा था इसे, अब तक नहीं आया। ऐसा कहते हुए उर्मिला उठती है और घर के बाहर विजय को खोजने चली जाती है। काका आपने विजय को देखा है क्या? उर्मिला गांव के एक आदमी से पूछती है। आगे चलकर उर्मिला को विजय का दोस्त रघु मिलता है। रघु बताता है कि विजय पहाड़ी के उस पार है। उर्मिला पहाड़ी पर जाकर देखती है तो विजय यानी वरुण बुद्धदेव कंचे खेल रहा था। उर्मिला उसे मारते हुए घर ले आती है और कहती है, तुझे मेरी और घर की हालत दिखाई नहीं देती है? तुझे मैंने लकड़ियां लाने भेजा था ना, जानता है ना तू तेरे पापा के जाने के बाद? इतना कहते ही उर्मिला रोने लगती है। अब विजय अपनी माँ के पास आता है और कहता है, रो मत माँ मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना कहकर विजय अपनी माँ को गले लगा लेता है। अगले सीन में कहानी अपने लीप में जाती है। विजय यानी वसंतनाथ रवि अब एक नौजवान है। घर के अंदर से उर्मिला आती है और कहती है, विजय ले दही चीनी खा ले, आज तेरा इंटरव्यू है ना। विजय दही चीनी खाकर अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। मुंह बनाकर विजय वापस घर लौटता है। उर्मिला को लगता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब तक विजय मिठाई खिलाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ अब तेरा नालायक बेटा टीचर बन गया है। आखिर कैसे बनेगा विजय टीचर से जेलर? कौन है नया जेलर?
किससे मिला रमा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ इंडिया में भगवान की तरह पूजे जाने वाले रजनीकांत एक धमाकेदार फिल्म के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं और उनकी इस फिल्म का नाम जेलर है। फिल्म के फर्स्ट पोस्टर ने ही इसकी हाइप काफी ज्यादा हाई कर दी है। फिल्म में रजनीकांत सर एक जेलर के रोल में नजर आने वाले हैं। सोर्सेस की माने तो इस फिल्म में रजनी सर के अलावा बी टाउन की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका मोहन, शिवराज कुमार, रम्या कृष्णन जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कहानी में विजय यानी वसंत रवि अपने गांव से शहर आता है। शहर आने पर उसे पता चलता है कि सुनैना यानी प्रियंका मोहन ने कॉलेज छोड़ दिया है। विजय उसके घर भी जाता है लेकिन उसे सुनैना नहीं मिलती है। विजय को पता चलता है कि सुरेश चंद्र उसके गांव आने वाला है। विजय सुरेश से मिलने गांव पहुंचता है जहां सुरेश यानी विनय खान पहले से ही मौजूद है। सुरेश और उसके गुंडे मिलकर विजय को जान से मार देते हैं और उसकी लाश को पास की नदी में फेंक देते हैं। पुलिस को विजय की लाश नहीं मिलती है। अगले सीन में कहानी में रमा यानी रजनीकांत की एंट्री होती है जो शहर के सबसे बड़े बदनाम जेल का नया जेलर है। रमा अंदर आता है। पियोन यानी योगी बाबू उससे पूछते हैं, ए कौन हो तुम? रमा कहता है, जेलर। पियोन जल्दी जल्दी टेबल साफ करने लगता है। पियोन पूछता है, कहां से आए हैं साहब? इस शहर के तो लगते नहीं है। रमा कहता है, मैं कौन हूं, क्या हूं और किस लिए आया हूं बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। बस ये जान लो कि अपना एक बड़ा मकसद लेकर इस शहर में आया हूं। पियोन धीरे से कहता है, ये क्या बवाल भेज दिए प्रभु, मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। रमा देखता है कि जेल में एक भी कैदी नहीं है। रमा पियोन से पूछता है, यहां कैदियों को क्यों नहीं रखा गया है? पियोन बताता है कि इस जेल में जितने भी कैदी रहे हैं वो सब भाग जाते हैं। रमा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। रमा हेड ऑफिस से जेल की हालत ठीक करने और वहां कैदियों को लाने की सिफारिश करता है। गवर्नमेंट उस जेल में कैदियों को भेजना शुरू कर देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ कैदी जेल से भाग रहे हैं। उस वक्त रमा वहां मौजूद नहीं है। कैदी जेल से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक कैदी कहता है, बड़ा आया साला, हमें बंद करके रखेगा। तब तक वो देखता है कि सामने रमा खड़ा है। अगले सीन में रमा उन सभी भागने वाले कैदियों के पैर पर बेल्ट से मारते हुए नजर आता है, जिसके बाद से कैदी उसके नाम से डरने लगते हैं। कुछ दिन बाद पूरे शहर में यह खबर फैल जाती है कि रमा की जेल में एक कैदी ही हत्या कर दी गई है, लेकिन खूनी का कहीं से कुछ भी नहीं पता चल गया है। अगले पल रमा जेल के बाथरूम में खून से सना हुआ चाकू धो रहा है। अपना पूरा हाथ साफ करने के बाद रमा मिरर में देखते हुए कहता है, अब कोई नहीं बचेगा, और तेज तेज हंसने लगता है। अगले सीन में रमा को उसके सीनियर ऑफिसर की तरफ से एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है। रमा अच्छी तरह से तैयार होकर पार्टी में पहुंचता है। पार्टी में जाते ही रमा की नजर सुनैना पर पड़ती है और उसके साथ ही कहानी में ऐश्वर्या राय बच्चन की एंट्री होती है। क्या रमा जानता है सुनैना को? क्या रमा ही खूनी है? जानने के लिए 50 कंबल रखवा दिए थे। पुलिस के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करें। गरीब अपने इस नए रखवाले को जानते ही नहीं है कि आखिर ये कौन क्यों कर रहा है, लेकिन बिना जाने समझे ही वो सब इस गिरोह के लोगों को भगवान मानने लगे हैं। ये ग्रुप ऐसा है कि जो गरीबों की मदद कंबल चादर से लेकर दवाई गोली तक कर रहा है, इसलिए शायद पुलिस भी इन्हें पकड़ने में उतनी फुर्ती नहीं दिखा रही है जितना कि उन्हें दिखाना चाहिए। लेकिन अभी अभी एक खबर ये सामने आई है कि इनके गिरोह का एक आदमी चेन्नई की सेंट्रल जेल में कैद है और ये सब उसे छुड़वाने में लगे हुए हैं, और उसे छुड़वाने के लिए ये लोग कुछ भी कर गुजर सकते हैं। पुलिस ने आम जनता से ये छुपा कर रखा है कि आखिर कौन है इसके गिरोह का जेल के अंदर, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर इसके बारे में बाहर बैठी जनता को कुछ पता चल गया तो वो खुद ये केस अपने हाथों में लेते हुए सड़कों पर उतर आएगी और ना चाहते हुए भी दंगे फसाद हो जाएंगे। मीडिया अपने तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई है कि कैसे पता लगे कि आखिर है कौन वो आदमी जिसने ये किया है, क्या करवाया है। लेकिन इस सब में एक कैरेक्टर है जिसने इस केस पर बहुत ही पारखी नजर रख रखी है।
वो एक एक स्टेप पर आंख गड़ाए हुए बैठे हैं। गैंग वालों ने एक बार जेल के अंदर भी घुसने की कोशिश की है, लेकिन जेलर ने उन्हें उनके इस काम को अंजाम नहीं देने दिया। जेलर के रवैये से लग रहा है कि उसे कुछ ऐसा पता है जो सिर्फ उसे ही पता है और किसी को नहीं। तो हो सकता है कि उसको पता है कि ये गैंग कौन है और इसका सरदार भी कौन है। पुलिस किस तरह से इस गिरोह को पकड़ती है ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस की इतनी निगरानी के कारण अब ये रॉबिनहुड गैंग गरीबों की इतनी मदद नहीं कर पा रहा। जनता में अब आक्रोश और गुस्से की स्थिति बनने लगी है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये गुस्सा जाकर किस पर फूटेगा, पुलिस पर या रॉबिनहुड गैंग पर, और जेलर कैसे इन सब से पुलिस और जेल दोनों के फेवर में कुछ कर पाएगा। जेलर का जब अपना सच रॉबिनहुड के मुखिया को पता चला तो जैसे उसके मन में जेलर के लिए ही एक दोस्ती का इमोशन आया कि एक्चुअली जेलर जैसा है वैसा होने से उसके अपने कारण है। उसका अपना एक दर्द है, एक ऐसा दर्द है जो जेलर हमेशा सबसे छुपाया रहता है। उसके मन में ये है कि अगर उसने किसी को देखकर मुस्कुरा दिया इसका मतलब ये होगा कि उसने खुद को माफ कर दिया उस गलती के लिए जिसकी सजा वो खुद को इतने सालों से देता आ रहा है। जेलर एक बहुत अच्छा आदमी है। ये बात जानने के बाद मुखिया ने ये डिसाइड किया कि वो यहां से निकलने के बाद जेलर के लिए भी कुछ करना चाहता है। जेलर ने बातों ही बातों में एक दिन मुखिया से अपने मन की बहुत सी बातें साझा की, जिसमें वो ये भी कह गया कि कैसे उसके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और उसूलों वाला होने के कारण उसके एक लौते बेटे की जान चली गई और कैसे उसने वो सब सहा और देखा जो कभी किसी बाप को ना मिले देखने को। और यहीं से मुखिया के थ्रू हम सबको भी जेलर के इस गुमनाम सफर में साथ बनने का मौका मिलता है। जेलर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसका एक छोटा सा परिवार था, उसकी माँ, बीवी और उसका एक जवान बेटा। सब इस शहर में एक खुश मिडिल क्लास फैमिली की तरह रह रहे थे। उसका बेटा बहुत होनहार था, डॉक्टर बनना चाहता था और उसकी पढ़ाई रंग भी लाई थी। उसका एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में हो गया था। तब जेलर भी अपनी पुलिस की पोस्ट में खूब मेहनत से काम कर रहा था और उनकी ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। एक बार जेलर के पास एक ऐसा केस आया जिसने एक्चुअली में सब बदल कर रख दिया, जेलर की जिंदगी और उनके परिवार वालों की भी। इस केस में एक बड़े मंत्री के बेटे के ऊपर रेप केस था। इसका इंचार्ज जेलर को बनाया गया और जैसा कि हमेशा से ईमानदारी से काम करने वाले जेलर के लिए ये केस भी बाकी केसेस जैसा था। बिना कोई घपला किए जेलर सबूतों की तह तक जाना चाहता था। वो अपना काम कर ही रहा था। लड़की के माँ बाप को भी उम्मीद थी कि उनके बेटी को न्याय मिलेगा, जेलर उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। और इसी बीच कुछ गुंडों ने जेलर के बेटे को उठा लिया और ये धमकी दी अगर जेलर ने सारे सबूत उनके हवाले नहीं किए तो वो उनके बेटे को मार डालेगा। जेलर ने सोचा कि ये सब उसे डराने के लिए कहा जा रहा था। उसने अपने बेटे को कहा कि वो कुछ दिन अलर्टनेस से रहे और अपना ध्यान रखे। बेटे ने वैसा ही किया। जेलर बिना ज्यादा चिंता किए अपना काम वापस चालू कर दिया और अपना केस सॉल्व करने लगा। लेकिन इस बार उसके बेटे पर सच में उसी के कॉलेज के अंदर घुसकर हमला हुआ। उसके बेटे के सिर पर लोहे के रॉड से हमला किया गया। बेटा बेहोश हो गया, उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। सबके होते हुए भी एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण उसके बेटे की जान चली गई और ये ट्रॉमा जेलर की वाइफ से सहन नहीं हुआ और वो भी चल बसी। अब घर पर एक बूढ़ी माँ है जिन्हें बहुत पहले पैरालिसिस का अटैक आया था और वो भी बस एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है। और जेलर ने उसी वक्त जिंदा महसूस करना बंद कर दिया था जब उसने बेटे की सांसें थमते हुए देखी थी। जेलर ने खुद को ये सजा इसलिए दी थी क्योंकि अगर वो गुंडों की बात मान जाता तो शायद उसका बेटा जिंदा होता और शायद यही दर्द जेलर और मुखिया को कनेक्ट कर देता है। मुखिया की क्या कहानी है ये तो आज भी एक पहेली है और वो किसी को बताते भी नहीं है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो वो इस प्रोफेशन में आ गए और फिर वो सब गरीबों के मसीहा बन गए। सब कहानी में जय रोहित की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। रात के वक्त समीरा अपने कमरे में सोने पहुंचती है तभी उस पर कोई चाकू से हमला करता है। समीरा किसी तरह इस वार से बच जाती है। हमलावार उसे रस्सी से बांधने की कोशिश करता है तभी एक जोरदार झंझनाहट की आवाज होती है। इंस्पेक्टर शिवा टेबल पर रखे फ्लावर पॉट से हमलावार को मार देता है। ये हमलावार कोई और नहीं बल्कि रिंग रोड का जेलर जय है।
चोट की वजह से जय बेहोश होने लगता है। बेहोश होते होते उसके कान में शिवा की आवाज पड़ती है, मुझे पता था ये जरूर आएगा। अगले दिन जय खुद को हॉस्पिटल के अंदर पाता है। शिवा और समीरा उसके रूम में आते हैं। शिवा जय के बगल में बैठते हुए कहता है, अब आप अपनी कहानी खुद बताएंगे जेलर साहब या मैं बताऊं? थोड़ा रुकने के बाद जय कहता है, 6 साल पहले मेरी शादी उर्मिला से हुई थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इस शादी में उसकी रजामंदी नहीं है। उर्मिला जब शादी करके घर आई तभी से उसका बिहेवियर मेरे लिए कुछ ठीक नहीं रहता था, लेकिन मैंने उसे हमेशा ही प्यार किया। उसके लिए मैं टीचर की नौकरी छोड़ जेलर तक बन गया, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही है। दरअसल शादी के पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था जो दिखने में मुझसे कहीं ज्यादा हैंडसम था, और शायद यही वजह थी कि उर्मिला ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ही नॉर्मल रहता था। शिवा बीच में टोकते हुए कहता है, तो तुम्हारी बीवी इस वक्त कहाँ है? जय मुस्कुराते हुए कहता है, वो आराम कर रही है। पिछले 5 सालों से वो आराम ही तो कर रही है। यहाँ कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है। एक रात जय को अपने काम से वापस घर आने में काफी लेट हो जाता है। जय घर के अंदर आते हुए कहता है, पता नहीं उर्मिला ने अभी तक खाना खाया भी होगा या नहीं। तभी उसे किसी के हंसने और बोलने की आवाजें आती है। जय धीरे धीरे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ता है और थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखता है कि उर्मिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके बेडरूम में है। जय उर्मिला से मिला हुआ ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और गुस्से में किचन से चाकू लेकर बेडरूम में पहुंचता है। उर्मिला जय को देखकर घबराती हुई कहती, देखो जय, जो तुम सोच रहे वो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गुस्से में पागल हो चुका जय उर्मिला के बॉयफ्रेंड पर चाकू से कई बार वार कर देता है। ये सब देखकर उर्मिला जय को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, ये क्या किया तुमने? तुमने अपनी औकात देखी है? तुम कभी मेरे लायक थे ही नहीं, समझे? उर्मिला के मुंह से निकलते ये अल्फाज जय को तीर की तरह चुभते हैं। गुस्से में आकर जय उर्मिला को भी चाकू से मार देता है। और अगले सीन में इंस्पेक्टर पूछता है, फिर तुमने दोनों डेड बॉडीज का क्या किया? जय तेज तेज हंसने लगता है। कहानी फिर अपने फ्लैशबैक में जाती है। अगली सुबह जय की नींद खुलती है तो उसकी आंखों के सामने उर्मिला की लाश पड़ी है। उस वक्त जय को होश आता है कि गुस्से में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जय उर्मिला को उठाकर तेज तेज रोने लगता है। अगले पल वो कबर्ड में रखी आरी लाता है और उर्मिला के बॉयफ्रेंड की लाश के टुकड़े टुकड़े करके उससे आस पास के जंगल में फेंक देता है। समीरा पूछती है, लेकिन उर्मिला का क्या हुआ? अगले सीन में पुलिस जय के घर पहुंचती है जहां से उन्हें उर्मिला की डेड बॉडी मिलती है। एक्सपर्ट टीम शिवा से कहती है, आज से पहले इतना पागलपन वाला प्यार कभी नहीं देखा। उर्मिला के बॉडी पर एक लेप मिला है जिससे किसी बॉडी को कई सालों तक सेफ रखा जाता है। आसपास की चीजें देखकर ये साफ पता चलता है कि जय उर्मिला को एक जिंदा इंसान जैसे ट्रीट करता था, जैसे उसे खाना खिलाना, उसके लिए पानी रखना। और एक खास बात ये है सर कि जय खुद भी पिछले 5 साल से यही इसी डेड बॉडी के पास होता था। तभी शिवा को धूप बत्ती की महक याद आती है। शिवा कहता है, ओ तो वो इसलिए घर में धूप बत्ती जला कर रखता था ताकि किसी को भी उर्मिला की डेड बॉडी की आने वाली स्मेल का पता ना चले। स्ट्रेंज। अगले सीन में जय कोर्ट में ये बयान देता है कि उर्मिला से पाए धोखे की वजह से वो आज तक सभी एक तरफा आशिकों की मदद करता आया था ताकि वो लोग भी उसकी तरह अपने प्यार का बदला उन लड़कियों से ले सके। जय की दिमागी हालात को देखते हुए कोर्ट उसे डॉक्टर की निगरानी में रखकर उम्र कैद की सजा सुनाती है। कोर्ट से निकलते वक्त जय देखता है कि उसके सामने रघु और रोहित खड़े हैं। रघु जिसे शिवा ने अपनी मोहरा बनाया था और हवलदार रोहित ने समीरा के साथ मिलकर झूठा नाटक किया था। जय उनसे कुछ भी नहीं बोलता, बस एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वहां से चला जाता है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, ये हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। मैं अपर्णा सिन्हा फिर मिलूंगी आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? वो कैदी कहता है, अरे तुझे नहीं पता साहब आने वाले हैं। साहब, उनका कहना है जेल एक मंदिर है और मंदिर में गंदगी नहीं रहती है, इसलिए आज हम सब मिलकर अपनी अपनी जेल की सफाई कर रहे हैं। चल चल उठ, तू भी काम पर लग जा। तभी वहाँ जेलर आ जाता है। कैदियों को काम करता देख जेलर कहता है, अरे वाह, आज तो सब काम पर लगे हैं, क्या बात है, अच्छा है, करो करो। सरकार तो जेल की सफाई पुताई पर ध्यान नहीं देती, तुम लोग ही करो। एक जेलर कहता है, ए मुंह बंद कर अपना, ये सब हम जेल के लिए, यहाँ तेरे लिए नहीं कर रहे। जेलर कहता है, अच्छा।
अच्छा बेटा, ऐसा कौन सा नवाब पैदा हो गया जिसके लिए ये सब हो रहा है। तभी रनू दौड़ते हुए आता है। जेलर कहता है, अरे रे, आज तू इतनी लेट कैसे हो गया, तुझे आने का टाइम नहीं पता क्या? रनू कहता है, अरे सर, एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसको सुनकर आपको अपने नाम के आगे लेट दिखने लगेगा। जेलर कहता है, अरे यार, जिसको देखो वो पहेलियां बुझाता रहता है, साफ साफ बताओ बात क्या है। रनू कहता है, अरे सर, वो मर गया, वो कैदी जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। जेलर ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। रनू कहता है, अभी खड़े मत हो सर, एक और खबर है और वो ये है कि रघु आ जाने वाला है। जेलर रघु का नाम सुनते ही डरने लगता है। उधर जेल में झाड़ू लग रहा है। कैदी नंबर 420 ये सब देख रहा है और सोचता है, कौन है ये रघु। अगले सीन में रनू बार बार जेल के मेन गेट पर जाकर रघु का वेट करता है। जेलर कहता, ए, तेरी बारात आने वाली है जो तू ऐसे इंतजार कर रहा है। रनू शर्माते हुए कहता है, क्या सर, आप भी, मैं तो बारात लेकर जाऊंगा। तभी वहां रघु की एंट्री होती है। रघु को देखते ही जेलर के पसीने छूटने लगते हैं। रघु अंदर आता है और जेलर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, कैसे हो जेलर? रनू, थोड़ा पानी पिलाओ अपने साहब को, इनके तो अभी से पसीने छूट रहे हैं। रघु अपने कैदियों के पास पहुंचता है। सभी कैदी मिलकर उसकी जय जयकार करने लगते हैं, लेकिन कैदी नंबर 420 कोने में चुपचाप खड़ा रहता है। रघु पूछता है, कैसे हो तुम सब? सभी कैदियों की एक साथ आवाज आती है, आपकी दुआ है मालिक। रघु की नजर कैदी नंबर 420 पर पड़ती है। रघु उसे देखते हुए कहता है, ए, इधर आओ। कैदी नंबर 420 रघु के पास आता है। रघु से पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? एक कैदी बोल पड़ता है, 420 मालिक। सभी कैदी और रनू हंसने लगते हैं। रनू फिर कैदी नंबर 420 उसका नाम पूछता है। कैदी नंबर 420 कहता है, मेरा नाम रमा है। कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है। रमा, रमा, उठो बेटा, देर हो रही है। रमा की माँ सुनीता उसे आवाज लगाती है। रमा अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा है। सुनीता फिर आवाज लगाती है, रमा उठो, 9 बज गए हैं, कॉलेज नहीं जाना। रमा आंखें मलते हुए कहता है और कहता है, क्या माँ, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं, एकदम लाइफ सेट वाला सपना। सुनीता कहती है, अरे बेटा, जैसे तो दुनिया को अच्छा देखता है और सोचता है, उससे बहुत अलग है ये दुनिया। चल अब तैयार हो जा, आज कॉलेज का पहला दिन है ना। रमा उठकर बाथरूम में चला जाता है। रमा एक सिंपल सा लड़का है जिसके लिए पूरी दुनिया किसी सुनहरे सपने से कम नहीं है। ऐसा क्या हुआ रमा के साथ जो उसे जेल जाना पड़ा? तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। क्या बताया रोशनी ने, इस वक्त रजनीकांत अपनी अपकमिंग फिल्म जेलर के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में वो एक जेलर के रोल में नजर आने वाले हैं। रजनीकांत सर के साथ इस फिल्म में बी टाउन की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन भी शामिल होंगी। इनके अलावा फिल्म में प्रियंका मोहन, शिव राजकुमार, रम्या कृष्णन जैसे कई कलाकार हमें नजर आने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, कि कहानी में रघु राज यानी रजनीकांत अपनी पत्नी उर्मिला यानी रम्या कृष्णन के साथ अपनी बेटी रोशनी यानी प्रियंका मोहन के आने की खुशी मनाता है। एक दिन रघुराज घर आकर देखता है कि किसी ने रोशनी का रेप कर दिया है और उर्मिला को भी चाकू मार दिया है। अगले सीन में जेल के अंदर एक नए कैदी राजा की एंट्री होती है। राजा जेल के अंदर सिगरेट पीते हुए आता है। रघुराज उससे पूछता है, किस लिए सजा मिली है तुम्हें? राजा कहता है, अपुन रेप केस में अंदर आया है, और जेलर तू टेंशन मत ले, अपुन अरमान भाई का आदमी है, परसों तक अपुन यहाँ से बाहर होगा। पियन यानी योगी बाबू कहता है, जेल नंबर 5 के अंदर जाकर देख बेटा, तू बाहर नहीं ऊपर पहुंचेगा। राम राम राम। रघुराज उसे जेल में डाल देता है। वो बाहर अपने टेबल पर बैठा राजा के बारे में सोचता है। पीएन रघुराज के पास आता है और कहता है, साहब, आपको क्या लगता है ये परसों तक टिक पाएगा? रघुराज उसे घूरने लगता है। पीएन राजा को खाना देने अंदर जाता है और कहता है, यहाँ जितनी भी बार तुम्हें खाना मिलेगा, तुम उसे अपनी जिंदगी का आखिरी निवाला समझकर खाना, ठीक है?
राजा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, अगर तुम्हारे जेलर ने मुझे तीसरे दिन यहाँ से नहीं निकाला तो चौथे दिन तुम सबका चौथा होगा। पियोन तभी आवाज में कहता है, खाले बेटा, अगर इस जेल के भूत ने तुझे भूत नहीं बना दिया तो मैं यहाँ का पियोन नहीं। सामने बैठा रघुराज ये सारी बातें सुनता रहता है। कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। एक दिन रोशनी अपने कॉलेज से लौटकर घर आती है, तभी रास्ते में उसे राजा रोक लेता है और कहता है, अरे मेरी रोशनी, कहाँ जा रही है? एक बार मुझे भी तो मौका दे अपनी सेवा करवाने का। गुस्सेल रोशनी उसके पास आती है और उसे एक तमाचा मार देती है। क्यों, मिला मौका या और दूं? ऐसा कहते हुए रोशनी वहां से चली जाती है। राजा कहता है, इस लड़की को पता नहीं है कि इसने किसके ऊपर हाथ उठाया है। अगले सीन में रोशनी और उर्मिला जख्मी हालात में पड़े हैं। रघुराज देखता है कि रोशनी की सांसें चल रही है। रघुराज रोशनी से पूछता है, किसने किया ये बेटा, एक बार नाम बता दो उसका। तुम्हारी कसम उससे इतना ज्यादा मारूंगा ना कि वो सोचेगा भी नहीं। रोशनी दर्द भरी आवाज में कहती है, राजा और उसके भाई अरमान, वो लोग यहाँ आए थे और उन्होंने मेरे साथ। इतना कहते ही रोशनी दम तोड़ देती है। रघुराज उसे गले लगाकर चीख चीख कर रोने लगता है। इधर अपर्णा यानी ऐश्वर्या राय बच्चन रघुराज की पूरी हिस्ट्री पता कर लेती है और उसे अब शक नहीं पूरा यकीन हो जाता है कि जेल नंबर 5 में हो रहे खून के पीछे रघुराज का ही हाथ है। अपर्णा पुलिस इंस्पेक्टर यानी वसंत रवि के पास भागती हुई आती है और कहती है, जल्दी करिए इंस्पेक्टर, वरना एक और मौत होनी तय है। रात का सीन है, राजा आराम से जेल नंबर 5 में सो रहा है, तभी उसे कहीं से चाकू की धार तेज करने की आवाज आती है। राजा उठकर बैठ जाता है और आगे बढ़कर पूछता है, कौन है वहां? किसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? आगे कहानी में क्या होने वाला है, ये सब आपको पता चलेगा हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। वेल दोस्तों, क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में? हो रही है, सोर्सेस की माने तो ये फिल्म साल 2023 में सिल्वर स्क्रीन पर तहलका मचाते हुए नजर आएगी। इस फिल्म में रजनीकांत एक जेलर के रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में रजनीकांत के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका मोहन, शिव राजकुमार, राम्या कृष्णन जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई के रिसर्च सेंटर से, जहां की स्टूडेंट अपर्णा यानी ऐश्वर्या राय बच्चन अपने प्रोजेक्ट के लिए लाइब्रेरी आती है और लाइब्रेरियन से पूछती है, मुझे जेल नंबर 5 पर लिखी कुछ बुक्स चाहिए। लाइब्रेरियन हैरानी से पूछता है, जेल नंबर 5 की बुक्स क्यों? अपर्णा कहती है, हाँ एक्चुअली मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। लाइब्रेरियन उसे जेल नंबर 5 पर लिखी हर बुक्स दिखाता है। अपर्णा एक बुक उठाती है और पास रखी चेयर पर बैठकर पढ़ने लगती है। वो जैसे ही पहला पेज खोलती है, उसमें एक खून से सना हुआ चाकू और दूसरे पेज पर एक फांसी का फंदा दिखाया जाता है। अपर्णा पूछती है, ये जेल नंबर 5 में आज तक कितने जेलर आए? लाइब्रेरियन कहता है, ये तो पता नहीं, पर एक जेलर है जिसका नाम रघुराज है। वो काफी लंबे अरसे से उसी जेल का जेलर बना हुआ है। अपर्णा कहती है, ये जेल नंबर 5 इतना फेमस क्यों है? लाइब्रेरियन कहता है, वो तो पता नहीं बेटा, पर लोग कहते हैं कि उसमें जाने वाला हर इंसान मरकर ही बाहर आता है, और आज तक जितने भी लोग उस जेल में बंद हुए हैं सबने खुदकुशी की है। कुछ लोगों का कहना है कि वहां भूत प्रेत का साया है, इसीलिए आज कोई भी कैदी उसमें जाने से डरता है, लेकिन सरकार इसे अफवाह बताती है। अगले सीन में कोर्ट शहर के सबसे बड़े डॉन के राइट हैंड राजा यानी ब्रह्मनादन को उम्र कैद की सजा सुनाती है और उसे जेल नंबर 5 में डालने का ऑर्डर देती है। राजा चिल्लाता हुआ कहता है, नहीं नहीं प्लीज जज साहब, मुझे फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे उस जेल में मत भेजिए प्लीज। पुलिस उसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बैठा देती है। गाड़ी जेल के सामने आकर रुकती है। राजा को जबरदस्ती जेल नंबर 5 में बंद कर दिया जाता है। अगले सीन में रात को सन्नाटा दिखाया जाता है। राजा आराम से जेल में अपने बेंच पर सो रहा है, तब उसे कुछ आवाजें आती हैं। राजा जाग के देखता है तो कोई भी दिखाई नहीं देता। तब तक उसमें सामने से एक काला साया आकर खड़ा हो जाता है और राजा तेजी से चिल्लाता है। अगले सीन में अपर्णा जेल नंबर 5 के सामने पहुंचती है। उसके पहुंचने पर ही जेलर रघुराज यानी रजनीकांत वहां पहुंच जाता है। रघुराज अपर्णा को वहां देखकर परेशान हो जाता है और अपने जेल के पियून से सभी जेल की सफाई करने को बोलता है। रघुराज अपर्णा से कहता है, सो कौन है आप और यहाँ क्यों आई हैं? अपर्णा कहती है, जी मैं वो। तब अंदर से पियून की चिल्लाने की आवाज आती है,
रघुराज और अपर्णा दोनों ही दौड़कर अंदर जाते हैं और सामने का नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं। तो क्या देखा रघुराज और अपर्णा ने, जानने के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। के साथ इस फिल्म में बी टाउन की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका मोहन, शिवराज कुमार, राम्या कृष्णन जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है शहर के जेल खाने से। यह शहर का सबसे पुराना जेल खाना है जहां पर कभी ट्रूअल जेलर का राज हुआ करता था और आज इस जेल खाने को 75 साल पूरे हो चुके हैं और इसलिए सभी जेलर्स और पुलिस के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जहां पर मीडिया की पूरी भीड़ जमा है। इवेंट शुरू होता है सीनियर जेलर यानी नस्सा स्टेज पर इवेंट की शुरुआत करने के बाद रिपोर्टर्स से उनके सवाल पूछने को कहता है। एक रिपोर्टर पूछता है, सर आप सबसे पुराने जेलर हैं, क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा जेलर रहा है जो बाकियों से हटकर हो? तब तक दूसरा रिपोर्टर पूछ पड़ता है, हाँ सर ये क्रूअल जेलर कौन है और कहाँ है अब ये? सीनियर जेलर अब मुस्कुराता है और कहता है क्रूअल जेलर, शायद आज इसी नाम से उसे पूरा देश जानता है। लेकिन ताजुब की बात ये है कि उसका नाम और उसकी असलियत हमें भी काफी दिन बाद पता चली। उसका नाम विजय था, एक ऐसा जेलर जिसने इंसाफ की लड़ाई के लिए अपना वजूद तक मिटा दिया। यहाँ अब कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है। अगले सीन में दोस्तों तमिलनाडु का छोटा सा गांव दिखाया जाता है जहाँ लोग पानी के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। गांव की हालत काफी खराब है। सीन में एक घर दिखाया जाता है जहाँ उर्मिला यानी राम्या कृष्णन चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना रही है। तब तक चूल्हे की आग बुझ जाती है। विजय विजय लकड़ियाला ने भेजा था इसे, अब तक नहीं आया। ऐसा कहते हुए उर्मिला उठती है और घर के बाहर विजय को खोजने चली जाती है। काका आपने विजय को देखा है क्या? उर्मिला गांव के एक आदमी से पूछती है। आगे चलकर उर्मिला को विजय का दोस्त रघु मिलता है। रघु बताता है कि विजय पहाड़ी के उस पार है। उर्मिला पहाड़ी पर जाकर देखती है तो विजय यानी वरुण बुद्धदेव कंचे खेल रहा था। उर्मिला उसे मारते हुए घर ले आती है और कहती है, तुझे मेरी और घर की हालत दिखाई नहीं देती है? तुझे मैंने लकड़ियां लाने भेजा था ना, जानता है ना तू तेरे पापा के जाने के बाद? इतना कहते ही उर्मिला रोने लगती है। अब विजय अपनी माँ के पास आता है और कहता है, रो मत माँ मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना कहकर विजय अपनी माँ को गले लगा लेता है। अगले सीन में कहानी अपने लीप में जाती है। विजय यानी वसंतनाथ रवि अब एक नौजवान है। घर के अंदर से उर्मिला आती है और कहती है, विजय ले दही चीनी खा ले, आज तेरा इंटरव्यू है ना। विजय दही चीनी खाकर अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। मुंह बनाकर विजय वापस घर लौटता है। उर्मिला को लगता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब तक विजय मिठाई खिलाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ अब तेरा नालायक बेटा टीचर बन गया है। आखिर कैसे बनेगा विजय टीचर से जेलर? कौन है नया जेलर, किससे मिला रमा? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। साउथ इंडिया में भगवान की तरह पूजे जाने वाले रजनीकांत एक धमाकेदार फिल्म के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं और उनकी इस फिल्म का नाम जेलर है। फिल्म के फर्स्ट पोस्टर ने ही इसकी हाइप काफी ज्यादा हाई कर दी है। फिल्म में रजनीकांत सर एक जेलर के रोल में नजर आने वाले हैं। सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में रजनी सर के अलावा बी टाउन की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका मोहन, शिवराज कुमार, रम्या कृष्णन जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को नेल्सन दिलीप कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कहानी में विजय यानी वसंत रवि अपने गांव से शहर आता है। शहर आने पर उसे पता चलता है कि सुनैना यानी प्रियंका मोहन ने कॉलेज छोड़ दिया है। विजय उसके घर भी जाता है लेकिन उसे सुनैना नहीं मिलती है। विजय को पता चलता है कि सुरेश चंद्र उसके गाँव आने वाला है। विजय सुरेश से मिलने गांव पहुंचता है जहां सुरेश यानी विनय खान पहले से ही मौजूद है। सुरेश और उसके गुंडे मिलकर विजय को जान से मार देते हैं और उसकी लाश को पास की नदी में फेंक देते हैं। पुलिस को विजय की लाश नहीं मिलती है। अगले सीन में कहानी में रमा यानी रजनीकांत की एंट्री होती है जो शहर के सबसे बड़े बदनाम जेल का नया जेलर है। रमा अंदर आता है। पियोन यानी योगी बाबू उससे पूछते हैं, ए, कौन हो तुम? रमा कहता है, जेलर। पियोन जल्दी जल्दी टेबल साफ करने लगता है। पियोन पूछता है, कहां से आए हैं साहब? इस शहर के तो लगते नहीं है। रमा कहता है, मैं कौन हूं, क्या हूं और किस लिए आया हूं बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। बस ये जान लो कि अपना एक बड़ा मकसद लेकर इस शहर में आया हूं। पियोन धीरे से कहता है, ये क्या बवाल भेज दिए प्रभु, मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना। रमा देखता है कि जेल में एक भी कैदी नहीं है। रमा पियोन से पूछता है, यहाँ कैदियों को क्यों नहीं रखा गया है?
पियोन बताता है कि इस जेल में जितने भी कैदी रहे हैं वो सब भाग जाते हैं। रमा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। रमा हेड ऑफिस से जेल की हालत ठीक करने और वहां कैदियों को लाने की सिफारिश करता है। गवर्नमेंट उस जेल में कैदियों को भेजना शुरू कर देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ कैदी जेल से भाग रहे हैं। उस वक्त रमा वहां मौजूद नहीं है। कैदी जेल से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एक कैदी कहता है, बड़ा आया साला, हमें बंद करके रखेगा। तब तक वो देखता है कि सामने रमा खड़ा है। अगले सीन में रमा उन सभी भागने वाले कैदियों के पैर पर बेल्ट से मारते हुए नजर आता है, जिसके बाद से कैदी उसके नाम से डरने लगते हैं। कुछ दिन बाद पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि रमा की जेल में एक कैदी ही हत्या कर दी गई है, लेकिन खूनी का कहीं से कुछ भी नहीं पता चल गया है। अगले पल रमा जेल के बाथरूम में खून से सना हुआ चाकू धो रहा है। अपना पूरा हाथ साफ करने के बाद रमा मिरर में देखते हुए कहता है, अब कोई नहीं बचेगा, और तेज तेज हंसने लगता है। अगले सीन में रमा को उसके सीनियर ऑफिसर की तरफ से एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है। रमा अच्छी तरह से तैयार होकर पार्टी में पहुंचता है। पार्टी में जाते ही रमा की नजर सुनैना पर पड़ती है, और उसके साथ ही कहानी में ऐश्वर्या राय बच्चन की एंट्री होती है। क्या रमा जानता है सुनैना को? क्या रमा ही खूनी है? जानने के लिए